शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Stop.
आती जाती सासों को है अब तेरी आरज़ू, ख्वाबों में है चेहरा तेरा, यादों में तू ही तू। अजीब क्या है? नहीं, वो तेल मिलेगा, तेल। तेल? वो बंटी है ना, उनाने के लिए तेल ले गया। दिन भर मसाज करता रहता है, सारा तेल खत्म कर दिया। थोड़ा तेल आपके यहाँ से उधार मिलेगा, मेकअप उतारना है। एक मिनट। दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे तुमसे एक राज की बात बोलनी है। ये बंटी है ना बंटी, इसका कभी भरोसा मत करना, एकदम यकीन करने के लायक आदमी नहीं है। यही वो राज की बात है? नहीं नहीं, राज की बात तो दूसरी है। मुझे तुम्हारी तारीफ करनी थी, तुमको बताना था कि कितने लोग तारीफ कर रहे हैं, मालूम है क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, क्या कमाल का डांस करते हैं, कमाल की सुपर डुपर की भी ऊपर की जोड़ी है। तो ये वो राज की बात है? नहीं, राज की बात तो ये है कि मैं तुमको बताना चाह रहा था कि मैं सोच रहा था कि अगर ये जोड़ी जो हम लोग दोनों की है वो असली जिंदगी में भी जोड़ी बन जाए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। रुक रुक। तू उसके कमरे में क्या कर रहा था? नहीं, मैं तो गया नहीं कहीं। तो तू ये गाल क्यों दबा रखा? दिखा ना। ये तेरे गाल लाल क्यों है? वो लिपस्टिक गई नहीं यहाँ से। लिपस्टिक? तेरे गाल पे लिपस्टिक क्यों आएगा? बोलना। किसी को बोलना नहीं है, मैं उसके कमरे में गया। नहीं, प्रॉमिस, बोल। क्या मुझे प्यास लगी थी? हाँ। मैं उसके कमरे में गया पानी में। हाँ। तो वो आई। हाँ। आके ऐसे अरे आगे बोल रहे यार, सुन तो सही, बता दो ना। आके मुझे बोलती है पानी, मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर हाँ आगे बोल। नहीं बता, भाई बता ना, हो गया सब, खा गया कुछ नहीं बचा। एक जो बता नहीं है मेरी इज्जत के साथ। अरे भाई क्यों बताऊंगा यार, ये रहा जी आपका एडवांस। शो आपका बहुत अच्छा था। ये हीरोइन का नाम क्या है? अच्छी थी है? साइन कहाँ करना है? साइन तो यहाँ करना है। देखिए अब तय ये हो गया है कि 29 तारीख को आप अपना पूरा ग्रुप लेकर लंदन जाएंगे। पूरे एक महीने का प्रोग्राम है, है? ये हीरोइन तो सेम रहेगी ना? साइन हो गया। क्या हुआ? बहन डर गई।
गई, बहन डर गई, बहन डर गई। बहन डर गई क्या? अरे बहना, मैं तो तेरी बहादुरी चेक कर रहा था। तू बहना की बहादुरी बाथरूम में चेक करेगा? जो बहना के साथ ऐसा करते उसको क्या कहते हैं पता है तुझे? बहन कब से हो गई है तेरी? अच्छा वो आप लोग आ गए, अगर आप लोग नहीं आते पता नहीं मेरे साथ क्या खड़ा होता। ये क्या ये? ए साथी सावित्री, ज्यादा होशियारी मत दिखा। कल रात को जब ये तेरे कमरे में आया तो इसके साथ उछल उछल के कार्यक्रम हो रहे थे। ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने क्या किया? सुना सेठ जी, सावित्री जी कह रही है मैंने क्या किया। क्यों? कल रात को जब ये तेरे रूम में आया तब तो तू कुछ नहीं बोली, है? अब चिल्लाने लगी। अरे इसमें से कौन से गुण है जो मेरे में नहीं है? अबे रुक ना। रात का छोड़, अभी का बोल। बाबला, तू रात को इसके कमरे में गया था? गया था? इसके कमरे में गया था क्या? मैं तो सेठ जी शाम को 7 बजे के बाद सो रहा था। हे राम, ये दरिंदा कितना झूठ बोलता है। सेठ जी इसको पूछो, कल रात को तूने मेरे को बोला नहीं कि तू उसके रूम में गया था? अरे भैया मैं जो 7 बजे सोता हूँ तो उसके बाद 1-2 नंबर करने के लिए उठता नहीं हुआ। मुझे मिला नहीं था? कब? सेठ जी मैं बोलता हूँ इस आदमी को यहाँ से निकालो। सेठ जी एकदम चुप चुप, तो पहले इसकी माफी मांग। बहना की माफी मांग। सेठ जी मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये सब इस कमीने की वजह से हुआ। तू लंदन आ, तुझे तो मैं वहाँ देखूंगा। ऐसी बदमाशी अगर ये खुलेआम करेगा तो हम औरतों का लंदन में क्या होगा? माफी वाफी नहीं चलेगी, इस हवस के पुजारी को सजा मिलनी ही चाहिए। एक और सावित्री बोली। पुलिस को बुलाऊंगा, पुलिस को। अरे चुप करो, शोर मत मचाओ कमीना। वो ऑर्गेनाइजर सुनेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? साले तुम्हारी इज्जत नहीं है, मेरी इज्जत का तो कुछ सोचो। साले मेरी 30 साल की करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जब से तुम दोनों आए हो मेरी उम्र दुगनी हो गई है। वो सब बात ठीक है, लेकिन इसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। अरे कौन सी सजा, कैसी सजा? अच्छा भूल गया, वो सेठ जी नागपुर के अंदर जो शो हुआ था उसके अंदर वो ऑर्गेनाइजर की बेटी थी, उसको मैंने भैंस बुलाया था तो मुझे बर्तन मारने की सजा मिली थी, जबकि मैंने बुलाया भी नहीं था। और इसने तो किया है, इसको कम से कम कपड़े धोने की सजा तो मिलनी चाहिए ना। आज से 1 महीने के लिए सबके गंदे कपड़े तू धोएगा। खुश खुश, चलो जाओ सब अपने अपने कमरे में और गंदे कपड़े संभाल के रखो। ये देखो ये सबके पासपोर्ट और टिकट है, सबको बोलना कि मंगलसूत्र की तरह संभाल के रखे, समझ गई? सेठी 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 चिल्ला मत रे, वो हीरोइन हीरोइन का क्या हो रहा है? वो लंदन नहीं आ रही है बेचारे। सर सर जी क्या हुआ? सर जी क्या हुआ? सर जी क्या हुआ? अरे पानी ले आओ। अरे जल्दी, अरे बिजली आ जाता। देखो यार क्या हुआ, क्या हुआ? सर जी ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ, तुम दोनों की वजह से मेरी हीरोइन नहीं आ रही। इन दोनों की वजह से हमारे शो में कोई भी लड़की नहीं टिकती। मैं तो कहती हूँ निकाल देना चाहिए इन दोनों को। ये दो निकाल देना, निकाल देना। ए पानी दे सेठ जी को। सेठ जी पानी। सेठ जी मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ हम लोग वहाँ जाके कर लेंगे। तू क्या करेगा? तू पहनेगा उसका ब्लाउज पेटीकोट, तू क्या करेगा? अरे सेठ जी वहाँ पर अपने हिंदुस्तानी भाई लोग बहुत रहते हैं, कोई ना कोई हीरोइन मिल जाएगी हमें। बराबर है। हाँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, वही चल के देख लेंगे, लेकिन पहले लंदन तो चले। तो 2 दिन के बाद आ रही है। उसका मामा मर गया ना, मदर ब्रदर डेड, तो 2 दिन के बाद। ओके ओके फिर तो ठीक है, तो बाकी सब लोग अपना अपना सामान लेके बस में बैठ जाइए। आप डायरेक्टर है ना, आप मेरे साथ टैक्सी में आए, इनके सामान टैक्सी में, बाकी सब लोग बस में आइए आइए आइए। वेलकम 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 बाय। और सुनो कोई धूम्रपान मत करना और हाथ थूकना नहीं, ये भारत नहीं, इसे भारत मत बनाना। चलो चलो चलो, सब लोग एक एक करके नीचे उतरो। चलो चलो चलो, वेलकम वेलकम, सब लोग अपना अपना।
अपना सामान लेके रिसेप्शन काउंटर पे जाइए और अपने अपने वेलकम वेलकम। लाल वाला, अरे क्या कर रहे हो? और सुनिए, ये पूरा मोटेल सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोगों के अलावा यहाँ और कोई नहीं रहेगा। पूरा इंतजाम कर दिया है, बस कपड़े धोने की व्यवस्था नहीं। वो कपड़े धोने के लिए आदमी लाए हैं हम लोग अपने साथ। धोबी है वो? जो भी है पता नहीं, धोबी है कि फूल गोभी है। धोबी है, धोबी है, है धोबी यहाँ। इधर कोई खाने पीने की व्यवस्था है क्या? अरे खाने पीने की तो तकलीफ ही नहीं है ना, रसोई घर है, बर्तन है, सब कुछ है, सिर्फ पकाने वाला नहीं है। वो आपको खुद पका खाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं है ना। नो रूम सर्विस। अरे गुल्लू इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये टैक्सी वाला गुल्लू आज के दिन ही आप लोगों के साथ ही रहेगा। कुछ भी बाजार से मंगाना, इससे मंगा लेना, ये आपको ला के दे देगा। गुल्लू इनको संभालना, अपने लोग है भाई, हाथ से नहीं जाने चाहिए, समझिए ना। आराम से रहिए, अपना मोटिव समझिए से। अब मैं चलता हूँ, आपको मिलूंगा शो के दिन। दो गई शराबत की। बाय। आजा गुल्लू, आजा आजा, पैसा दे दो ना तेरी माँ। चलो भैया, सबका चाय नाश्ता नहाना धोना हो गया ना? मेरा बाकी है। क्या प्रॉब्लम है? वो रूम सेट हो रहा है अभी। चलो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे पास हीरोइन नहीं है, और वो समस्या का निवारण भी हो गया है। क्या निवारण किया, कैसे किया? देखो वो क्या है, कहानी वही रहेगी, सिर्फ हीरो हीरोइन बदल गए हैं। हीरोइन कौन होगी? मैं हूँ। है? मैं हीरो हूँ, और ये वैजयंती वो हीरोइन बनेगी। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है, ये अपना लास्ट शो है, इसके बाद सीधा इंडिया। चुप करे, तेरी वजह से हीरोइन भाग गई है। हाँ वो जो भी है, लेकिन पब्लिक हमारे कपड़े तो नहीं फाड़ेगी। नहीं, मैं क्या सोच रहा था कि अगर सेजी हीरो बनते हैं और ये हीरोइन बनती है, तो इसका शीर्षक क्या होगा? सिग्नल बुढ़ापे का सिग्नल। स्टूपिड इडियट, वेरी फनी। सरजी आवाज बंद नहीं होगी, बोलते रहो। सरजी एक धमकी है, अगर ये हीरोइन बनती है तो इस नाटक का विलन मैं बनूंगा। तू क्यों बनेगा, तू क्यों बनेगा? विलन हमेशा मैं बनता हूँ, मैं ही रहूंगा, समझे ना। तेरे को तो हीरो बनने का बहुत शौक था ना, अभी चांस मिल रहा है तो लेता क्यों नहीं है? भाई साहब मुझे हीरो बनना है, किसी का बेटा नहीं बनना। मुझे भी किसी का बेटा नहीं बनना। चुप चुप। अभी सिर्फ एक रास्ता है और जो सबको मानना पड़ेगा, जो हीरोइन ढूंढ के लेके आएगा वो ही हीरो का रोल करेगा। हीरो का रोल करना है तो हीरोइन लेकर आओ, नहीं तो मैं इसके साथ शो करूंगा, और जो मेरे साथ शो नहीं करेगा उसको मैं एक रुपया भी नहीं दूंगा। हो सकता है वो कर लेगा। पॉन्ड में छाप रहे हो? अरे टैक्सी भाड़े की है ना, तो रोज रोज का हिसाब देना पड़ता है। लेकिन तुम अभी भी ये बैग लेके कहाँ घूम रहे हो? नहीं वो ट्रायल चल रहा है ना, साफ सफाई। अच्छा अच्छा अच्छा, पे था मैं। ये मौसम कैसा है यहाँ का? अरे लंदन का मौसम और लंदन की लड़कियाँ, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी रंग बदलते रहते हैं। क्यों, यहाँ की लड़कियाँ अच्छी नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो कहावत है, लड़कियां तो बहुत अच्छी हैं। नहीं मेरा मतलब उनका स्वभाव कैसा है, दोस्ती वोस्ती करती है कि नहीं? जो भी देसी आता है घुमा फिरा के वही पूछता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मैं तो बस यूं ही। अच्छा यूं ही। आटो, आटो। क्या हुआ? आटो तो। क्या हुआ क्या? अच्छा किस तरह की लड़की चाहिए, मैक्सिकन, चाइनीज, जैपनीज, इंग्लिश? सच बताऊं? हाँ एकदम भारतीय लड़की चाहिए। क्या? तुम्हें विदेश में आके विदेशी लड़की चाहिए? क्या बताऊं, खेल ही ऐसा है। हाँ समझ गया समझ गया, यहाँ सब अपना खेल अपने स्टाइल में खेलते हैं। कई लोग आके हमसे पूछते हैं। ए, बंटी ने पूछा क्या? अरे किसी ने नहीं पूछा, मैं तो ऐसे कह रहा था। ओ, कब चाहिए? आज। आज अभी अभी। हाँ। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, बोलो। एक महीने के लिए? एक महीना वही की वही सेम टेस्ट। क्या तुम भी यार? अरे नहीं नहीं, दरअसल नहीं नहीं, दरअसल मेरी, अरे शादी नहीं हुई ना, इसीलिए। समझ रहा हूँ सब समझता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ उसको हिंदी भी आनी चाहिए। हिंदी? हाँ। अच्छा हिंदी में डायलॉग बोलने वाली चाहिए। हाँ, डालो, 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 यार कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। एक महीने के लिए चाहिए, हिंदी में डायलॉग बोलने वाली चाहिए, सारी चीजें बड़ी डायलॉग में इतना खुश क्यों गए? अच्छा सुनो, लड़की एकदम हीरोइन जैसी होनी चाहिए। ठुमका लगाए मस्त, बड़े रंगीन आदमी लगते हो यार। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जैसा बोलोगे वैसा नाचेगी, ठुमका बोलोगे ठुमका लगाएगी। अरे पैसा खर्च करो, क्या नहीं हो सकता?
पैसा कितना ले लेगी? अरे यार छोड़ो ना, वो तो वो लोग बताएंगे, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें जैसा बोला है वैसा करते जाओ। देखो तुम यहाँ चलो, तुम यहाँ सीधे लो सीधे, और फिर चौथे सिग्नल से बाएं ले लेना, और उसके बाद बहुत बड़ा पार्क पड़ेगा, वहाँ बहुत सारे इंडियंस खड़े मिलेंगे, लेकिन किसी गोरे से मत पूछना, इंडियंस देखते तुम्हें समझ जाएंगे, वो तुमसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, वो जैसे ही आए उनसे मांग लेना, पर पुलिस से सावधान रहना, ये बात समझ। अच्छा सुनो, ये बात जो तुम्हारे मेरे बीच में हुई है, कोई पूछे तो मत बता। अरे नहीं लोग पूछे, अरे तुम चिंता ही मत करो, पूछेंगे, अरे तुम जाओ अपना काम करो, जाओ, ऑल द बेस्ट। हीरोइन मिले तो हीरो में बनूंगा, लेकिन सिर्फ एक शो के लिए, अगला शो मैं बनूंगा। ओके वरना वो बुड्ढा हीरो बन जाएगा। तो बौने ने बोला था कि यहाँ पर आएंगे तो कुछ हिंदुस्तानी लोग मिलेंगे, फिर दोस्ती वोस्ती होगी, फिर वो हीरोइन से मिलाएंगे, यहाँ तो कोई अपना नजर नहीं आ रहा। देख देख अरे मुझे नहीं, उधर देख। आई थिंक दीज आर द पीपल, कम। भाने ने बोला था पहले ये लोग पूछेंगे। अच्छा अरे अरे हम लोग अरे अरे वाच सर पूछ 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 जी वो हीरोइन हीरोइन मत बोल, पुड़िया बोल, पुड़िया गुड़िया पुड़िया पुड़िया बोल रहा भाई, पुड़िया पुड़िया हाँ पुड़िया है पैसा लाए 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 पुलिस पकड़ो 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 लेट्स गो अरे Who's that? हम है बॉस। ओह कब कब कमेंट कमेंट। बॉस डील सक्सेसफुल हो गई। शाबाश। Very good। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? हुई थी बॉस। पुलिस वहाँ पर आई थी। पुलिस? पुलिस को कैसे पता चला? वो हमें नहीं पता। But we escaped. Thank God. बैग खोलो, खोलो। Excuse me, boss. Voila. Hey.
जी जांगिया पैंट शर्ट ये सब क्या है? पैसा कहाँ है? बॉस हमने बैग तो बराबर एक्सचेंज किया था, कोड वर्ड भी सेम टू सेम बोला था। हमने बोला माचिस है, उसने माचिस दिया। मैंने बोला पुड़िया, उसने बोला पुड़िया। अरे पुड़िया बोला था कि गुड़िया बोला था, ये सब क्या है? पुड़िया बोला था। मनु भाई गांधी हियर क्या? अब समझा, हमारा सारा माल पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस? ऐसा कैसे हो सकता है बॉस? ऐसा हुआ है, अभी अभी शेर खान ने मुझे बताया कि उनके लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने मार मार के उन लोगों से कोडवर्ड उगलवाया होगा। इसका मतलब ये है कि वो साले कमिश्नर जेडी मेहरा ने हमारी ड्रग डीलिंग पकड़वाने के लिए हमारे पीछे इंडियन सीआईडी को लगाया। तुम लोगों ने जिनके साथ डीलिंग की वो खुफिया पुलिस थी। यस बॉस। देखो मेरी इमेज यहाँ पे एक एक बहुत बड़े बिल्डर की है जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता। हाँ तुम लोग बाहर जाओ और सावधान होके जाओ और वापस नहीं आना यहाँ पे। गेट आउट बॉस, गेट आउट, आई सेड गेट आउट। वन कॉफी प्लीज। ये कमाल का शहर है यार, पहली बार ऐसा चोर देखा जो मेरा बैग लेके और अपना बैग छोड़ गया। अरे उन लोग चोर नहीं है, उन लोग कुछ और थे। मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही है। मैं क्या बोलूँ, बैग बैग खोल के देखे बैग। नहीं नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, इधर बहुत पब्लिक है। तो कहाँ? कोई ऐसी जगह चलते जहाँ कोई ना हो। ना चलते इधर चल। कौन? बॉस 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 हमें बचा लो, बॉस हमें बचा लो। सही बस, क्या हुआ क्या हुआ? अरे वो खुफिया पुलिस हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है। क्या? यस बॉस, हमने अपनी इन आंखों से उनको इस होटल के अंदर आते हुए देखा है। अरे बेवकूफ, तू तो यहाँ क्यों आया मुझे मरवाने के लिए? अरे तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं उनके हाथ नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। ये क्या है सफेद सफेद आटा? आटा 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 आटा। ये ड्रग्स है। ड्रग्स? इसको लेते नशा चढ़ जाता है। ये तो लफड़ा है। हाँ, इन लोगों ने गलती से दे दिया हमें। तू बहुत झलझली किस्म का लफड़ा है, इसका उपाय क्या है? बंद कर, बंद कर। ए रुक रुक रुक, इस बैग का क्या करें? सोचने दे। क्या सोचने दे? इसके अंदर का माल उठा के फेंक डालते हैं, ये बैग रख लेते हैं, कपड़े रखने का काम आएगा। अच्छा बैग है यार। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? मालूम है इसकी कीमत क्या है? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया? ये अरे 5,000 के ऊपर की चीज नहीं है ये। अबे ढोलकी के, मैं इस बैग की बात नहीं कर रहा, अंदर के माल की बात कर रहा हूँ। ये कचरे का 1 करोड़ रुपया तूने मेरे को ये ना समझाया क्या? हाँ। ए तीसरी फेल पीटी पास, मैं बी इंग्लिश हूँ समझे? ये सब जानने समझने की अक्कल चाहिए जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा, मेरी बात सुनना। अगर वाकई ये माल 1 करोड़ रुपए का है तो इसको साले को बेच डाले, कम से कम सारी जिंदगी उस चंपक सेठ के लिए अपना पिछवाड़ा उठा उठा कर मुजरा करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अरे दो गाली मारेंगे उस चंपक सेठ को और सारी जिंदगी ऐश से जिएंगे। क्या बोलता है, इस माल को बेच दे? हाँ बेच दे बेच दे। एक काम कर, तू सड़क पर दरी लगा और माल बेचना शुरू कर दे। बोल ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो। पब्लिक आएगी क्या? आएगी ना, वर्दी पहन के आएगी। पुलिस Excuse me, where's the police station here, please? Where I'm from, Russia. Don't ask me stupid questions. क्या 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 बोला ये? इधर आ, तू इधर आ। और तेरे को उठा के लेके जाएगी और 150-200 साल के लिए अंदर डाल देगी। नहीं नहीं, अपन एक काम करते हैं, हम लोग इस कचरे को ले जाकर कचरे में फेंक देते हैं और अपन कचरे से बाहर आ जाते हैं भाई। अच्छा अच्छा मेरी बात सुन, चल अपन पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस वालों को सारा सामान देते हैं और इसके बाद उनको बोलते हैं कि हम लोग हमको अंदर करो, हम अंदर आने के लिए तरस रहे हैं। दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा?
उल्टा उन लोग हम लोग को इनाम देंगे हमारी ईमानदारी के लिए, बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी यूं। मेरी क्यों नहीं छपेगी? लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास। ए, हमको भी सोचने का मौका दो भाई। सोचने के लिए दिमाग चाहिए, तू सिर्फ अपने कान खोले रख और मैं जो सोचता हूँ वो सुन बस। नहीं नहीं, फिर भी हमारा भी सोचना जरूरी होता है। टैक्सी, जल्दी आओ मूर्ख, जल्दी आ। Do you want us to believe this stupid story? That someone gave you the drugs, then run away? Officer, please try and understand. Listen, I'm from India and I only speak the truth. Shut up! तो चुप यार, मैं समझाता हूँ। देखे जमादार साहब, ये तो शराबत की हद हो गई। हम लोग यहाँ पर आए थे एक नाटक करने के लिए, नाटक के लिए हीरोइन चाहिए। What do I know? बस इतनी सी बात थी कि उस गुल्लू के पट्टे ने हमसे कह दिया कि तुम जाकर यहाँ पर गार्डन में खड़े हो जाओ, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो हीरोइन देते हैं। तो हम लोग जाकर शराफत से खड़े हो गए। इतने में देखते हैं कि दो सांड टाइप के लोग आते हैं, दोनों की आंखों पर काला काला चश्मा, एक गोरा एक काला, गोरे गोरे मुकुट पे काला काला चश्मा, और दोनों के दोनों अंधे, और आकर मुंह पर सिगरेट लगाते हैं और हमसे पूछते हैं कि भाई साहब माचिस मिलेगी? हमने भी ईमानदारी से माचिस लगा डाली। अब माचिस लगा डाली और निकाल कर आग लगाई रहते हैं। इतने भाई साहब कहते हैं कि फू सारे ने माचिस बुझा डाली, और जब पूछा कि हीरोइन मिलेगी तो बोलता कि नहीं, यहाँ पर तो पुड़िया मिलती है। तो हमने सोचा कि शायद आपके देश के अंदर भैया हीरोइन को पुड़िया कहते हैं, तो हमने कहा तो पुड़िया सी पुड़िया बता दो। तो बस इतना बोले कि देरी, इतने में उसने उठाया हमारा बैग ले लिया और अपना बैग थमा दिया और जाकर साले फूट गए। अब फूटने के लिए हम लोग भी फूट सकते थे, लेकिन भाई साहब के दिल के अंदर एक छत्ता जगी और गता बन के हम लोग इधर आ गए। Sir, we have two Indians here with a case full of drugs, but we don't understand their language. Okay, sir. अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पिकनिक जा रहे हैं। अभी तू अपना लाउडस्पीकर बंद रखना, कुछ बोलना मत वहाँ, मैं बात करूंगा बड़े साहब से। ओके। यानी दो आदमी आए और तुम्हें ये बैग देकर चले गए। सर सर, वी इंडियंस, बाय बाय सर। शायद आप आंसर द क्वेश्चन। यस सर, मानता हूं, मगर ये ड्रग्स के बैग तुम्हारे पास पाए गए, या तो मुझे तुम्हें बंद करना पड़ेगा या तुम दोनों को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। कैसे? हाँ कैसे? क्या तुम्हारा कोई लंदन में है जो स्टेटमेंट पर साइन करेगा या तुम्हारी जामिन देगा? नहीं 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 सर, लंदन में नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत है। बोलो बुलाऊं? उनका भाड़ा कौन भरेगा? तो क्या क्या बंद कर, नहीं तो ये फिर अंदर डाल देंगे। सर एक टैक्सी ड्राइवर है सर। सर लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे मालूम नहीं वो कहाँ रहते हैं सर। उस टैक्सी का नंबर? जी टैक्सी का नंबर है LH AAG 36 एक मिनट यार, तू याद करने दे, 3669 सर। ऑफिसर, फाइंड वेयर द टैक्सी इज पार्क्ड। चलो सीक्रेट पुलिस, भाई साहब गुल्लू का है। हाँ अंदर बैठ के बात कर उससे। कहाँ जाना है? अरे कहाँ जाना है बाद में देखेंगे, चलो। हैं? इमरजेंसी, इमरजेंसी। गो गो मैन। चलो, चलो, जल्दी चलो। गुल्लू। वो देखो, सब गुल्लू लेफ्ट किया। सर डैट इज गुल्लू सर। जल्दी चलो। कम ऑन, कम ऑन। इन पुलिस वालों को समझाओ यार, इन लोगों ने हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
नाम? गुल्लू। तेरे कुत्ते का नाम नहीं पूछा, तेरा पूरा नाम बता। गुलाब सिंह लखन सिंह हरियाणा वाले। इन्हें जानते हो तुम? नहीं नहीं साहब, इसने कहा था वो लड़की वड़की। क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, हुआ क्या है सर? तुमसे जितना पूछा गया उसका जवाब दो, जानते हो इन्हें? कैसे? ये लोग भारत से आए हैं सर, वो क्या कहते हैं ड्रामा नाटक करने आए हैं लोग, इनके साथ 15-20 लोग और भी हैं सर। कहाँ रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया पार्क में सर। ऑर्गेनाइजर कौन है? रविंद्र जी तनेजा सर। सर वो क्या है, सीधे साधे लोग हैं, पहली बार यहाँ आए हुए हैं सर। इन लोगों ने कोई गड़बड़ की है क्या सर? बहुत बड़ी। एनीवे ऑफिसर, प्लीज टेक द सिग्नेचर ऑन द स्टेटमेंट। कम ओवर हियर लैड्स, कम ऑन। क्या हुआ? इस वक्त मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, चलो। साइन हियर टॉप वन। जब भी पुलिस स्टेशन बुलाए तो हाजिरी देने पहुंच जाना। और हाँ, अगर वो ड्रग सप्लायर जिसने तुम्हें ड्रग्स दिया है दिख गया तो मुझे इस नंबर पे फोन कर देना। ओके, थैंक यू, बी गुड। थैंक यू सर। ओके सर, बाय सर। आदमी है कि कबूतर? बोला था ना पुलिस से संभल कर रहना। अबे इसको बोल, इसको। साला खुश हो गया तू? खुश हो गया साला? बीए पास, अंग्रेजी बोल बोल के मेरे दिमाग किधर का लाली। इसने कितना समझाया, कितना समझाया कि साला ये मुसीबत की पोटली है, फेंक इसको, फेंक इसको। नहीं, उछल 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 कर क्या बोल रहा था तू मेरे को? हाँ, पुलिस में चलते हैं, इनाम मिलेगा, हैं? अखबार के ऊपर तस्वीर छापूंगे, तस्वीर तेरे मुंह के ऊपर। हमें मार मार के पुलिस ने कीमा नहीं किया ना, तो सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मेरी माँ ने कुछ अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में। साले कल के लौंडे सिखाने लगे। नाटक की हीरोइन। थैंक यू। बहुत मुश्किल है बाबा। एक आदमी है जो कर सकता है, अगर उससे भी नहीं हुआ तो तू गया। कौन? गुरु। गुरु? संत महात्मा के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे उसका नाम गुरु है, पहले वो बैंड मास्टर था, उसके ग्रुप में एक लड़की काम करती थी, क्या जबरदस्त डांस करती थी यार। मुजरा नहीं करवाना मुझे। अरे सुन तो सही, वेस्टर्न क्लासिकल डांस। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, गुरु ने गाना बजाना सब छोड़ के पीना शुरू कर दिया। अगर शराबी है तो वो लड़की कहां से लाके देगा? अरे बोतलें देंगे ना। गुरु गुरु जी, दरअसल बात ये है, एक फिल्म का हीरो आया है एक छोटी सी समस्या लेकर, आप उसकी मदद कर सकते हैं, इसीलिए तो बाटली लेकर आया हूँ, आप उसकी समस्या सुलझा दो प्लीज। भाई चल 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 चल। सेटिंग हुई? हुई नहीं, हो जाएगी, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा झूठ बोल दिया है। मैंने कहा तुम फिल्में बनाते हो, उसमें तुम मेन हीरो हो। क्यों, ड्रामा में क्या प्रॉब्लम है? अरे ड्रामा टीवी सीरियल बोलेगा, कोई लड़की काम नहीं करेगी। लेकिन मुझे, अरे लड़की चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ तो चुपचाप चलो, दिमाग का बैंड मत बजाओ। लेकिन मुझे कंचा लड़की चाहिए। अच्छा ड्रामा नहीं करना है, कंचा खेलना है उसके साथ। अबे कंचा मतलब सुंदर होता है। अच्छा, चल, चलो चलो, तो बावला हो गया तू, लंदन में रह। आजा आजा आजा। हाँ आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। गुरुजी। कौन है? ये मिस्टर बंटी हैं। पैर छुओ। पेरी पेरी। तुम इस आदमी को जानते हो? इनका नाम है बंटी। बंटी? अरे इनकी पिक्चर के बारे में तो सुना होगा ना, ये अपने खुद की फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं और उसके मेन हीरो भी। तो मेन हीरो है? वो ना गुरुजी, वो मैं नहीं हूँ, वो ये हैं, इनके बारे में बात की थी ना मैंने आपसे। तो फिर तू कौन है? हा? मैं गुल्लू, टैक्सी ड्राइवर। मतलब तुम गुल्लू और ये टैक्सी ड्राइवर? नहीं, 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 वो दोनों मैं ही हूँ। तो फिर ये कौन है? ये बंटी है। ये फिल्मों में क्या कर रहा है? ए, तुम दोनों मेरे को पागल मत बना, बहुत हो गया अब तुम लोगों का। इसको पूछ मेरे को जिस जिस काम के लिए आओ, मेरे को चाहिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करे। इसको पूछ लड़की कहाँ मिलेगी मेरे को। औरतें चाहिए? औरतें नहीं, एक लड़की चाहिए फिल्म में काम करने के लिए, वो भी हिंदुस्तानी मटेरियल होनी चाहिए। मिल जाएगी? अब गुरुजी वो लड़की वो जल्दी से करवा दीजिए। वो तो मैं भूल ही गया था, आज से 200 साल पहले 200 साल पहले दो साल ग्रुप में एक लड़की थी, वो तुमको मिल सकती है। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? नाम बता। पद्मिनी, शंखनी, मोहिनी। रामायण के नाम नहीं, आज के नाम बता। जूली, सीमा, रीमा। हाका। ये कैसी डायन का नाम है? हाका ये डायन का नाम नहीं है, ये मेरे आदमी का नाम है। अब भाई इन्हें आदमी नहीं, इन्हें एक लड़की चाहिए। हाका है ना, ये मेरा आदमी है, इसके पास जाएंगे, ये बताएगा वो लड़की कहाँ रहती है। तो अब चले कहाँ भाई साहब? हाका के पास, हाका को ढूंढने। मैं भूल गया था, एक मिनट। ए तू मुझे कल बोलता ना, मैं हाका से मिलकर कल ही तुमको हीरोइन से मिला देता था। अरे तुमको मेरी पहुंच नहीं मालूम है, मैं हर हीरोइन को जानता हूँ। तुमको पता है मेरी माँ इंग्लिश थी और मेरा बाप पंजाबी, और मैं उनका रिजल्ट हूँ। इतनी जल्दी पहुंच गए? हाका बाहर आओ, आप अंदर चलिए, अभी गाड़ी चली भी नहीं, आप चलिए अंदर, चलिए चलिए। कहीं ये पागल तो नहीं है, मेरे सारे पैसे बर्बाद तो नहीं करोगे तुम? नहीं नहीं उतर जाएगी, चिंता मत करो ना, सब ठीक हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो।
पहुंच गए? अरे अभी तक नहीं पहुंचे, बार बार निकल भी जाते हो। चलिए बैठिए बैठिए तो चुप। ए बॉयज, हका यहाँ आया था? कुछ लोग आए थे कर्जा वसूल करने, तब से गायब है, घर पे होगा। लेकिन बात क्या है गुरुजी? ये जो भाई साहब है ना, उनको फिल्मों में लेना चाहते हैं। अरे किसी को हका का घर मालूम है क्या? तो बेवड़ा फिल्म मुझे पता है, मुझे पता है। लेकिन ये सब क्यों आ रहे हैं यार, तुम लोग क्यों घुस रहे हो? चलो गुस्सा गुस्सा। अरे एक दो चैनल लो, सबके सब क्यों आ रहे हैं यार? ये तुमको अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। क्या? मैं कितना मारेगा सर? थे अगर रोल चाहिए तो तुम्हें उस लड़की को हीरोइन बनाना पड़ेगा जो तुम्हारे ग्रुप में काम करती थी। क्या नाम है उसका? नाम वो उसका नाम से क्या करना तुझे? साले शादी करी उसके साथ। भाई साहब नाम छोड़िए, आप बताइए कहाँ रहती है वो? वो जानने के लिए जल्दी बताइए, घर जाना पड़ेगा ना। हाँ तो चलो चलो चलो। कैसे कैसे? ये लाल डब्बा में क्यों ना? ओ यस, चलो चलो। साला मेरी टैक्सी लाल डब्बा बोलता है। कहाँ है? बस यहीं पास में, जर्मनी। जर्मनी में कहाँ? अरे वो तू भूल जाना, वहाँ जाके देख लेंगे ना, ढूंढेंगे ना। चलो चलो चलो। कहाँ जा रहा है तू? जर्मनी। खाली 7 घंटे का तो रास्ता है। 7 घंटे का रास्ता? ये पेट्रोल के तरह भापा रहेगा? ये सब बारह को लेके जाएंगे हम लोग। अरे तो लड़की क्या हमें चाहिए? मुझे नहीं चाहिए लड़की। इन हराम घरों को बोल मार रही, मुझे नहीं चाहिए। ये नहीं मानेंगे, ये जर्मनी जाकर ही मरेंगे। सुन ले, चलो जल्दी चलो। गाड़ी बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। तो क्या करें? हाँ तो उतरो ना अभी, सब लोग उतरो। अरे लेकिन हम जर्मनी जा रहे हैं। हाँ तो धक्का मारोगे तो जर्मनी जाएंगे ना। चलो 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 जल्दी चलो, जाओ जल्दी जल्दी। हाँ भाई खड़े मत रहे भाई, चलाओ जल्दी। आराम से आराम से आराम से, प्लीज स्लो स्लो स्लो। ओके नाउ यू कैन गो। चलो चलो भाई, धक्का मारो धक्का मारो। आओ भाई आओ, जोर से बोलो जर्मनी। अरे मेरे को धक्का मार, पर गाड़ी को धक्का मार। कैसा आदमी है यार। अबे परेशान हो गया मैं, कसम से मन करता खून कर दूं उसका, खून कर दूं मैं। और तेरे को मैंने मना किया था, इसको मैंने मना किया था, अबे ये कहां से आया? रोको रोको, अरे उनको भी साथ ले लो। अरे उनको भी जर्मनी देखने दो। अबे क्या टूरिस्ट बस आई है? टूर करने निकले हम लोग, वर्ल्ड टूर। हाँ साले क्या जर्मनी फ्रांस तुम लोगों को घुमाऊं? अबे गाड़ी रोक, उनके बिना मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ तू नहीं आए। अबे गाड़ी रोक, उतार इसको। मैं नहीं उतरूंगा, मुझे जर्मनी जाना है। क्यों? तेरे पिताजी की कब्र है वहां पे। साले टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। अबे ये सफेद खरोच कौन है? कोई भूत तो नहीं है? अबे नहीं, भूत के पांव टेढ़े होते हैं, इसके पांव सीधे। तो बिंदास बिंदास भागा भागा, वो अपने आप निकल जाएगी। तो साड़ी वाली औरत हो, मरने निकली है क्या? मैं मरना चाहती हूँ।
तो मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए। इस रोड पे और भी तो कितनी सारी गाड़ी है, वहां जाके मरो ना। पता नहीं सुबह सुबह जब भी चंपक सेठ का चेहरा दिखता ना, सारा दिन खराब हो जाता है, उल्टे सीधे लोग ही मिलते रहते। वो देखो एक एयर कंडीशन गाड़ी आ रही है, वहां जाके मरो, जाओ जाओ जाओ, भागो भागो ऐसे भागो, चल बे। ए, ये क्या कहती है, वो तो सचमुच जा रही है। हाँ तो जाने देना, मरने दे उसको। अरे ये मरेगी तो हम लोग जिम्मेदार होंगे ना। वो कैसे बे? अरे यार तुम्हारी ये हादसा होते हुए कौन देख रहा है? हम दोनों। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन लगाएगा? अब ड्राइविंग लाइसेंस जाएगा मेरा, जाओ रोको उसे, जाओ। अरे मैं लंदन क्यों आया? वो विधवा औरत हो, वो विधवा, पागल हो गई है तो जाने दो मुझे, छोड़ो। ओए खुदकुशी करने के लिए इंडिया से यहाँ तक आयो तुम? आधी रात को पत्नी से झगड़ा करने के लिए यही जगह मिली थी क्या? अरे घर में जाकर झगड़ा करो, कोई पब्लिक प्लेस में नहीं। तेरे को इससे क्या मतलब है? तू निकल यहाँ से, चल गाड़ी निकल यहाँ से, हट हट हट। क्यों मरने के लिए? लेकिन हमारे सामने नहीं मरना, हम लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाने का है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा भाई हूँ। हे भगवान, मार दिया बेचारी को। चल बे गुल्लू, टैक्सी निकल। अरे तुम आदमी हो कि पैजामा, इसे इस हालत में छोड़ कैसे जा सकते हैं? तो मैं क्या करूं? जरा सोचो, अगर इसे कुछ हो गया तो इसके मर्डर के केस में तुम्हें हो जाएगी फांसी और मुझे हो जाएगी सजा। तो मैंने थोड़ी मर्डर किया, इसका पागल है क्या? अरे तुझे और इसे झगड़ा करते हुए किसने देखा है? हैं? वो गाड़ी वाले ने। वो जाके कोर्ट में बोल देगा तो फिर? तो क्या करें बताना बोने? अरे एक मिनट यार भाई, कोई देख लेगा, बताना। ये तेरे को चलेगी क्या? अबे तू पागल तो नहीं है? मैं अपने प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, तू लड़कियां सप्लाई करने की बात कर रहा है मेरे साथ। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, तुझे नाटक में हीरोइन की जरूरत है ना, ये ठीक है क्या? ये हाँ, ये आत्महत्या की दुकान। हाँ, हाँ। अबे पागल है, अगर चालू शो में आत्महत्या कर बैठी तो लोग सीटें जला देंगे, मेरे कपड़े फाड़ देंगे, और सीटी तो वैसे ही आत्महत्या कर लेंगे, मुझे नहीं चाहिए। देख वैसे तेरे पास कोई चॉइस नहीं है, सोच ले, तुझे हीरोइन की जरूरत है और ये आत्महत्या करने जा रही है। आदमी आत्महत्या क्यों करता है? बोल बोल, सोच सोच, बता बता बता। क्योंकि टेंशन या कोई प्रॉब्लम होती है उनको। हाँ तो इसको पैसे वैसे की प्रॉब्लम होगी तभी तो आत्महत्या करने जा रही है बेचारी, और तू इसको हीरोइन ले लेगा तो इसकी पैसे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और तेरी हीरोइन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये भी खुश, तू भी खुश, अपन तो वैसे खुश। ये सोच भाई भाई भाई, डिसीजन ले डिसीजन ले, अपने को लगता है ऊपर वाले ने सही मौके से इसको भेजा है। अगर इसने मना कर दिया तो? हाँ तो जाए तेल लेने, इसे ही छोड़ देंगे, हमसे क्या लेना देना? तो हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, इसको बोलेंगे चली जाए यहाँ से। हाँ, चली जाए, पक्की बात? पक्की बात, ठीक है ठीक है, चल चल उठा 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 जा। तो इसकी साड़ी पकड़, मैं इसका ब्लाउज पकड़। उठा 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 उठा। अरे भाई बड़े खाए पिए खानदानी की लगती है। तुझे कैसे पता बे? अरे भाई वजन देख के नहीं लगता है। इसके हिसाब से तेरे घर में सब भूखे नंगे होंगे। हैं? वाकई में कितना वजन है इसका? अबे क्या पड़ोसियों के बच्चे खाती है ये? अबे मेरे हाथ पे बिठा दिया। अरे ये क्या, अब क्या हुआ? अरे वो कहाँ गया वो बेवड़ा? कहाँ गया वो बेवड़ा? अरे इस उथल पुथल में कहीं इधर उधर चला तो नहीं गया? चल मरने दे अपने को, क्या चल चल। अरे इसकी अब नीचे क्या देखा, पहिए क्या, कीड़ा है क्या वो? चल आइए आइए, प्लीज प्लीज कम। सचिन सचिन सचिन, वो बंटी मर गया क्या? नहीं हीरोइन लेकर आया है। चलिए हटिए हटिए हटिए, साइड में हटिए, मैडम को आने दीजिए। आइए मैडम आइए, चलिए टेक इट इजी, टेक इट इजी, साइलेंस। हीरो ये बैग मुझे दे दीजिए। आइए आइए आइए, यहाँ वहाँ देखिए, आइए 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 आइए, ये मेरा रूम है, अब ये आपका रूम है। और आप? मैं तहखाने में रहूंगा। Are you sure? Yeah, yeah, sure, 100%. और मैं खुद ही मिल लेता हूँ। ये लेडीज बाथरूम है, इसे आप इस्तेमाल करिए, और ये जो है आप एक काम करिए, मैंने आपको आपका रूम बताया ना, आप जाके आराम करिए, ओके? किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी चीज, हटिए हटिए, मुझे याद करना, ठीक है? मुझे बुलाना, ओके ओके ओके, थैंक यू, क्या बात है, अरे हीरोइन है हमारी। ए फैले ले टाटा, इस लड़की को हम लोग से भी तो मिला, अपनी असलियत और हमारी असलियत भी तो बताओ उसको। जितना बताना था बता चुका हूँ उन लोगों को तुम्हारे बारे में, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना मुझसे। पड़े आए मुंह उठा के चल पड़े। ए, ए। हाथ ला, मान गया ये लड़की चलेगी हीरोइन के लिए चलेगी। लेकिन एक बात बताया, तू ये लड़की को कहां से उठा के लाया? उठा के, ए, उठा के नहीं लाया, मेरे मामा की खास दोस्त की बेटी, हाय रूपा नालिया। रूपा तेरा मामा यहाँ लंदन में? क्यों कमाल है,
तेरा खानदान बोरीवली के बाहर नहीं निकला और लंदन में मामा चलना। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो मेरी हीरो ना, तो आपको कोई दिक्कत है? क्या 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 बोला? दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है। सेठ जी, मेरे मामा के खास दोस्त ने ये कहा है कि मुंडी उसी प्ले में काम करेगी जिसमें मैं हीरो हूँ, और साथ में ये भी कहा है कि वो खाएगी पिएगी मैं जो खिलाऊंगा उसको, उसका ध्यान मैं रखूंगा, और साथ में ये भी कहा है कि वो किस चीज से बात नहीं करेगी। सेठ जी आप ये होने नहीं देना, ये आप होने नहीं देना, ये एक हीरो से हीरो का काम छीनना चाहता है सेठ जी, ये इसकी साजिश है। मेरी साजिश है, मैं साजिश कर रहा हूँ सेठ जी। सेठ जी मैं लोगों के रोल काटता हूँ, इसका भी काट दूंगा। सेठ जी कभी आपने सुना कि एक विलन हीरो के लिए हीरोइन लेके आता है? कभी आपने सुना? अरे विलन वो होता है जो हीरो के ताबे से हीरोइन को उड़ा ले जाए। बस तो हो गया फैसला, बस हो गया फैसला, आज से तू विलन मैं हीरो, खत्म खत्म खत्म। अबे ओए गुप्त ज्ञान, तू फैसला करने वाला होता कौन है? अरे क्या कर रहे हो यार? सेठ जी आप फैसला करिए, आप फैसला करिए, हीरोइन ढूंढने जाना पड़ेगा। नहीं नहीं क्या बोला? ए, क्या बोला भाई, मैं बोलता हूँ कि तेरे को ये विलन बनने में जाता क्या है यार, दो फाइट से नहीं इसको लात भी मारने को मिलेगा, बन जाना। मगर इससे पहले जितनी बार भी नाटक हुए मैं हीरो रहा हूँ ना, तो इतनी बार हीरो बन चुका है ना। अरे लेकिन ये मुंडू हीरो लगता है क्या? अभी अकल छकल की बात मत करो, वरना मुझे कोई तीसरा ही लड़का ढूंढ के लाना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था भाई, अरे मैं सुन चुका हूँ यार, मैंने पहले ही कहा था कि जो लड़की लेके आएगा वो हीरो बनेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस बोल अभी तो विलन बनेगा कि नहीं, टाइम वेस्ट मत कर, तू विलन बन। क्या हुआ नाखून को? चलो भाई लोंडे ने फैसला कर लिया, चलो भाई चलो चलो अपने अपने घर, चलो 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 चल भाई, वो बाथरूम में जाके ब्रश कर, चल 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 भाई, ओके बाय 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 बाय। नाटक में तो नहीं लेकिन इसकी असली जिंदगी में मैं विलन बनूंगा। क्या देख रही हो? कितना सुंदर है ना। क्या ये दो हंसों का जोड़ा? नहीं, पानी कितना गहरा होगा? मैंने उतर कर नापा थोड़ी है, अंदर कूदूंगा तो पता चलेगा। मैं कूद कर देखूं? क्या आपने कहा था कि गहरा है, मैं कूद कर देखती हूँ। गहरे ठंडे पानी में कूद जाऊंगी तो गर्म सांस धीरे धीरे ठंडे पानी में पिघलने लगेगी, फिर कुछ देर बाद शरीर अपने आप तैरने लगेगा और लहरों के सहारे वो बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। चल अंदर जा, अंदर जा। चला बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। सांड घुस तो नहीं गया गाय के तबेले में? देखो जरा क्या कार्यक्रम चल रहा है। ये सब देने के लिए तुम्हें इतनी रात को यहाँ आने की क्या जरूरत है? ये लोग बहुत होशियार हैं, तुम्हें यहाँ संभल कर रहना होगा। मुझे बहुत गंदे घर में साथ पीके जादू क्या कर रहा था, मुन्नी को देख रहा था छक के, सोई मुन्नी को छेड़ रहा था। बाबला देख रहा था कि नहीं, पूछो इसको। तू मुन्नी के रूम में झांक रहा था बाबला? अब क्या फफला गया, अभी फफला गया, झांक रहा था मैं, इसलिए झांक रहा था कि मैं देखना चाह रहा था कि अंदर कौन है।
अंदर कौन होगा? सेठ जी अंदर कौन होगा? अंदर तो बेचारी मुन्नी थी, सो रही थी, खनाटे मारी थी। बेचारी मुन्नी संडास से देख रहा था तू बेचारी मुन्नी को। बोले दो, सुन ले, अंदर से आवाज आ रही थी, एक मौत की आवाज आ रही थी, मैंने अपने कानों से देखा। हे राम, कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? सेठ जी कितना गंदा आदमी है, अपना नाम बचाने के लिए मुन्नी का नाम खराब कर रहा है। सेठ जी पूछो उसको कितना झूठ बोलता है। तू राम के भगत, एक मिनट ठहर। सेठ जी सब लफड़ा खत्म करो, दरवाजा खोल के देखो इसका लड़की का भाग रही है। नहीं नहीं मैं देखता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी आप नहीं देखोगे, पता नहीं उसने कपड़े पहने नहीं, सेठ जी उसने पत्नी वाली नहीं। मैं देखता हूँ, मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं देखूंगा। मुन्नी 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 दरवाजा खोलो बेटे, मैं सेठ जी हूँ, डरना मत, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुन्नी मुन्नी अंदर कोई है? कोई नहीं है सेठ जी। ओके ठीक है, तुम सो जाओ, ठीक है, गुड नाइट। ऐसे कैसे गुड नाइट? एक मिनट ठहरिए, अंदर देखा किसी ने? मुन्ने किसी बात कर रही थी? किसी से भी नहीं बाबला। देख मैंने देखो किसी से बात करते हुए सुना है। ओ वो तो मैं अपने डायलॉग्स रिहर्स कर रही थी। आप लोगों ने तो कहा था कि आपको सुबह तक रेडी चाहिए। क्या हुआ? बाबला शर्म नहीं आती तुझे? जाकर लड़की से माफी मांग। अबे माफी मांग, इतना याद रखना, अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। सॉरी सॉरी गलती हो गई, गलती हो गई। सर जी इसको सजा दो, इसको सजा दो सर जी, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। सजा कैसे? सजा क्यों? भूल गया, भूल गया जब मैंने अंजलि को गलती से छेड़ दिया था तो आप लोगों ने मुझे धोबी बनाया था, भूल गया सर जी? याद दिला उसको, अगर ये इसको सजा नहीं मिलेगी नहीं तो मैं, नहीं तो क्या? नहीं तो मैं मुन्नी को उसके घर तक छोड़ के आऊंगा, समझे? नहीं नहीं। हाँ हाँ ये ठीक कह रहे हैं, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए, कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए। और क्या मुसीबत? तू कल से रसोई घर में सबके लिए खाना पकाएगा, तू खुश? हाँ अभी के लिए ठीक है, लेकिन आगे की सजा मैं बाद में सुनाऊंगा। सब लोग अपने अपने रूम में जाके सो जाओ। ए सुनो सुनो सुनो, कोई भी उस रूम के नजदीक नहीं जाएगा, समझे ना? कोई भी नहीं जाएगा। तू एक काम कर, तो रात को चौकीदार बन के वहाँ बाहर खड़ा रहे। चमगादड़ साले, अंदर चलो चलो चलो, रात भर जागते रहते हो। जीना हराम कर दिया है। क्या देख रही हो? चलती हुई आग कितनी खूबसूरत लगती है ना। अच्छा समा जाओ उसमें, खा लो उसे। आग अच्छी लग रही है, एक्स्ट्रा जवान हो। मुझे अच्छा लगेगा अगर ये आग मुझे खा जाए, फिर मुन्नी भी नहीं रहेगी और मुसीबतें भी नहीं रहेंगी। राख बन के उड़ जाऊंगी खुले आसमान में, आजाद पंछी की तरह। चाय बनाओ, चाय बनाओ, सीधे सीधे दोबारा जाओ। डरा रही है साली। बंटी बेटे चाय पी ली, अब शुरू करूं मैं? अभी गन की रिहर्सल करेंगे, ठीक है? चलो भाई। हाँ सेठ जी तंबोरा बजाइए। क्या हुआ सेठ जी? रेडी रेडी, इधर ध्यान दो। हाँ सेठ जी गला फाड़िए। वो देखो क्या हुआ, ऐसा नाक चपटा करके क्यों खड़ा है? अंदर आना। Shut up, you rat! Guru, तोड़ दो साले की टांग! Come on, tigers! सेठी, वहाँ देखो! सेठी, वहाँ देखो! चल साले, मेरी टांग तोड़ी, गटर में फेंका! Let's go! Let's go! मुझे उसके लिए टांग लगा दे। ये 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 ये। हाला हाला हाला। आपने ऐसे किसी को भागते हुए देखा भाई? जिसने तुम्हारे गुरु की टांग तोड़ी वही ना? हाँ हाँ वही 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 वही। वो he's gone straight. Hey guys, get him!
यह खबर अखबार में भी छप गई। हाँ हाँ छप गई छप गई। गुरु आपके लगने वाले की खबर अखबार में भी छप गई। अच्छा ये प्रेस वाले जो भी मैं करता हूँ उसको छाप देते हैं। ये मशहूर होना भी कितना बड़ा पाप है ना। ए, वो कमीना किधर गया? इधर गुरु। वो क्या इधर मुदर कर रहा, पकड़ उसको। ओ यस तू देख इसमें क्या लिखा मेरे। तेरे को ये झटका क्यों लगा? खबर ही ऐसी है। खैर मैं पढ़ता हूँ। ये मेरा शिकार है। ये टांग हमको दे दे। ये टांग हमको दे दे। अबे चुप। टांग घर ले जाके पका के खाएगा क्या? टांग तोड़। गुड गुड गीत के बोल बराबर लिख लेना ताकि शो में ऊपर नीचे। तुम लिखो लिखो यहाँ। तेरे बिन there ain't no desire, तेरे बिन my world's on fire, fire not tire। ये फायर ही तो है, मैं एफ ऐसे ही लिखती हूँ। उल्टा तू सीधा पढ़ ना। मेरा क्या? ओके तेरे बिन I can't fly high, 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 higher। क्या ना करूं है मुश्किल, तेरे बिन कहीं लगता ही नहीं दिल, क्या करूं मैं क्या ना करूं है मुश्किल, ऐसे हाल में चैन बनाए ना, अब तो अकेले जिया जाए ना, अब तो अकेले जिया जाए ना। Ooh, 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 ooh.
शो के लिए हेल्प किया ना? अरे दैट्स नथिंग। आजकल आपने भी मुस्कुराना सीख लिया। एक्टिंग अब मैंने भी सीख ली है जीने की। अब हमेशा डिप्रेशन के बारे में क्यों बात करते हैं? किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती? अगर हर इंसान आपकी तरह सोच के खुदकुशी करेगा तो आबादी कितनी बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी? हाँ, नर्क की। हाँ, लग जाएगी आपको। बड़े पहलवान जो ठहरे। अच्छा, मस्ती बंद। आज के बाद मरने मरने की बातें सब बंद। मरने की बात की जिंदगी किसने देखी है बंटी? अच्छा, अगर ऊपर भी टेंशन मिली तो इससे अच्छा जो कुछ करना यहीं कर लो। मस्ती, मौज, धमाल, जो भी है। तुम्हारे लिए ये सब बहुत आसान है। प्यार में सब कुछ आसान होता है। क्या क्या कहा तुमने? जो आपने सुना मैं कुछ समझी नहीं। मुझे जाना चाहिए। भाग रही हो? क्या भागती क्यों? हालात का सामना करो। बी ब्रेव मुन्नी, कम ऑन, फेस द प्रॉब्लम। क्या मतलब? तुम लड़के भी ना बड़ी चलाक होती हो, जानती सब हो, लेकिन हमसे सुनना चाहती। कोई बात नहीं, मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, बीए में इंग्लिश हूँ और अच्छा खासा कमा लेता हूँ, प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। और मुन्नी 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 आई लव यू मुन्नी। गिर गया देखो मुन्नी, मेरी बात सुनो, सच्चाई को तुम ठुकरा नहीं सकती, तुम्हें जवाब देना होगा। मैं बाद में बताऊंगी, बाद में। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, उस हादसे की वजह से वो बेहोश हो गई है, बाकी सब ठीक है। वैसे आप सबका उनसे रिश्ता क्या है? वो हमारे नाटक की हीरोइन है। मैंने शायद तुम्हें पहले कहीं देखा है। नहीं। हाँ, तुम वही हो ना? उस रात तुम दोनों ने झगड़ा किया और उसने मेरी कार के आगे छलांग लगा दी। हाँ, हाँ। ये किस रात को? तू तो बोल रहा था कि तेरे मामा के खास दोस्त की बेटी। उस लड़की को आत्महत्या करने की आदत है क्या? हाँ, उसने मुझे बोला था कि वो आग में कूद कर जान दे देगी। मुझे भी कहा था कि तालाब में कूद के जान दे देगी। हाँ, तेरे को बोला। और अब कार के सामने छलांग लगा दी। लगता है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरा अंदाजा सही निकला, वो पागल है ना? ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ये भी एक किस्म का पागलपन ही है। इसमें आदमी के सिर पर मरने की जिद सवार रहती है और हमारी भाषा में इसे सुसाइडल टेंडेंसी कहते हैं। आई थिंक शी नीड्स अ साइकेट्रिक हेल्प। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप इधर आइए ना, प्लीज प्लीज। एक मिनट, जरा जल्दी चलिए। देख रहे हैं सेठ जी, डॉक्टर को साइड में लेके जा रहा है। ये साइड में ले जा रहा है क्या मतलब? तब मैंने उससे कहा कि हमारे नाटक की हीरोइन बन जाओ, उसे चार पैसे भी मिल जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बस इतना ही जानता हूँ उसके बारे में, और वो राजी भी हो गई करने के लिए। डॉक्टर, she's regaining consciousness. Okay, thanks. देखिए उन्हें होश आ गया है। अगर आप अंदर जाकर उन्हें मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। कौन सी जगह है ये? मैं यहाँ कैसे आई? Relax, relax. ये सब लोग कौन हैं? You don't know them? You are working with them. लगता है इसको भी हमारी तरह अंग्रेजी नहीं आती। हमको नहीं पहचाना? तुम हमारे साथ काम करती हो नाटक में? आपके साथ? हाँ, मैं सेठ जी, डायरेक्टर। कौन सेठ जी? मेरा पति कहाँ है? पति? शादी कहाँ हुई तुम्हारी? अभी तक तो ट्राई कर रहे थे लोग तुम पे भांडों की तरह, और जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो मैं तुमको, हम तुमको यहाँ लेकर आए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं आपको नहीं जानती। आप प्लीज मेरे पति को बुलाइए। कौन पति? कहाँ रहता है वो? विक्रम चौहान, लिवरपूल में रहता है। उनका नंबर 07964207008।
ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? आंसू नहीं होगा तो क्या नींबू पानी होगा? डॉक्टर साहब, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आपने मेरी खोई हुई पत्नी मुझे लौटा दी। मुझे पता नहीं मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। देखिए, शुक्रिया अदा करना है तो इन लोगों का कीजिए जिन्होंने आपकी पत्नी की जान बचाई है। मैं आप लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया उससे मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। 2 साल पहले मेरी निशा के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद मुझे पता चला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक बार उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की, फिर मैं इसे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कहा कि इसे सुसाइडल टेंडेंसीज हैं और इलाज के लिए उसे कुछ दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा। फिर अचानक मुझे एक दिन डॉक्टर का फोन आया। उन्होंने कहा कि वो अस्पताल से गायब हो गई है। मैंने पुलिस कंप्लेन लिखवाई। ये रही उसकी मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस कंप्लेन। आप लोगों की वजह से मेरी पत्नी बच गई। मैं आप लोगों का बहुत एहसानमंद हूँ। आप लोगों ने मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिंदगी मुझे लौटाई। अब आप इन्हें ले जाइए। वैसे तो ये ठीक हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद इन्हें चेकअप के लिए दोबारा ले आइएगा, क्योंकि ऐसे केस में ये दोबारा भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, निशा के इलाज के लिए हम कुछ दिन लंदन में ही रुकेंगे अपने दोस्त के गेस्ट हाउस में। इसके ठीक होते ही हम वापस चले जाएंगे लिवरपूल अपने घर। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये है मेरा कार्ड। डॉक्टरों ने कहा कि मेरी वजह से आप सबको बहुत सारी मुसीबतें उठानी पड़ी। मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया, ये मेरी बीमारी की वजह से हुआ। और हो सके तो उसे भूल जाइएगा प्लीज। क्या हुआ? क्या ये आदमी मेरा पति नहीं है, बंटी मेरा पति है। बंटी तुम्हारा पति है? तो शादी कब हुई? अब बंटी को बुलाइए ना, प्लीज बंटी को बुलाइए। बंटी, बंटी, उसका फोन आया। किसका? लगता फिर से पागलपन का दौरा पड़ा। किसका? मुन्नी को। चल चल, फोन पे रो रही है। बंटी, बंटी तुम यहाँ आकर मुझे ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुन्नी, मुन्नी तुम क्या कह रही हो? तुम उसकी पत्नी हो मुन्नी। देखो यहाँ पेट्रोल का डिब्बा और माचिस पड़ा हुआ है, अगर तुम नहीं आए तो मैं अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को मार दूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बंटी, अगर तुम आधे घंटे के अंदर नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं मर जाऊंगी। ये सब क्या है?
इनका खाना। इनका खाना? अरे पहले इनका आज का गाना बजाना होने वाला या नहीं ये तो तय हो जाने दो, बाद में खाना देना समझे, वरना जुर्माना कौन भरेगा तेरा बाप। इनका खाना है। सोइए मत, उठिए। वहां आपने एक हीरोइन बताई थी वो मस्त थी, यहाँ आपने दूसरी हीरोइन बताई वो भी मस्त थी, लेकिन वो तो हमेशा के लिए सो गई। अब जो हुआ सो हुआ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये शो होना ही चाहिए, और अगर ये शो नहीं हुआ तो यहाँ की जेल में तुम सब लोग रोज शो करोगे। देखिए देखिए, हमने हल निकाला है, हम ये ड्रामा नहीं करते, हम दूसरा ड्रामा करेंगे जिसमें हीरोइन नहीं है। वो मैं कुछ नहीं जानता, कैसे भी करके ये शो होना ही चाहिए, समझे? शेर खान जी, इस बार आपको पुड़िया जरूर मिलेगी, एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। पिछली बार खुफिया पुलिस ने हमारा माल पकड़ लिया था। यस बॉस। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यस बॉस। क्योंकि डीलिंग के वक्त मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा नजर रखने के लिए। यस बॉस। और हम डीलिंग किसी सुमसान जगह नहीं, यस बॉस, पब्लिक प्लेस में करेंगे, यस बॉस, ताकि किसी को हम पर शक ना हो। यस बॉस। अब लंदन में मोर के पंख कहां मिलेंगे यार? अब छोड़ो, मोर कहां दिखाई देगा, देखने दो मुझे। ओ माता जी, एक मिनट। मिल रहा है? अरे सस्ते में मिल रहा है भाई। चलिए क्या हुआ? आने तू भी। क्या हुआ? क्या अभी हुआ? क्या अभी? मैंने उसको देखा अभी अभी, इसी बीच में जाते हैं। देखा किसको? देखा? अरे तेरी आवाज क्यों पुपली हो गई भाई? तू आना यार। अरे हुआ क्या? अरे तू चुपचाप चल यार, तू चल। लेकिन देखा किसको? देख अरे उसको कहीं यही देखा यार। ऐसे कैसे गई? हेलो, किसकी बात? नमस्ते, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर मैंने वो लड़की को देखा सर। किसे? सर वो लड़की जो मर के जलकर मर गई सर, वो कौन? निशा? यस सर, एग्जैक्टली। व्हाट नॉनसेंस, इम्पॉसिबल, कैसे हो सकता है? सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खुद देखा सर, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने देखा। वो पागल लड़की जब से जल के मरी तब से ये लड़का भी पागल हो गया है, खुद बोलता है जल के मर गई और बाद में खुद बोलता है कि मैंने देखा है, कैसे देख सकता है? तो पागल है क्या? तुझे मैं सर मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। Yes, boss. इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी होनी चाहिए। Yes, boss. एकदम चौकन्ने रहो। Yes, boss. उनके हाथ में लाल बैग होगा, सामने वाली Yes, boss. सामने वाली पार्टी से मेरी बात हो चुकी है। Yes, boss. मैं यहाँ गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। Yes, boss. और इस बार डील होनी ही चाहिए। Yes, boss. Get lost. Yes, boss. Get lost. Yes, boss. देखो मैं निशा को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने खुद उसकी डेड बॉडी देखी है। क्या हो गया तेरे को? अजीब बातें कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, किस तरफ जाते हुए देखा है? सर इस तरफ सर। उधर खुफिया पुलिस। प्लीज सर उछल के देखिए। बॉस खुफिया पुलिस कहाँ हो रहे? पुलिस कमिश्नर भी है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दरवाजा खोलो ना बॉस। बॉस कौन हो? कौन तुम लोग? मैं तुम लोगों को जानता ही नहीं हूँ। नो स्पीकर, लोगों को मैं एंटरटेनमेंट करता हूँ। कहाँ है वो? हाँ कहाँ? कहाँ है वो? सर कसम से बोल रहा हूँ, मैंने उस लड़की को देखा सर, यहीं कहीं आई है सर। ये तुम्हारा वहम है, तुमने किसी और को देखा होगा, और वैसे भी मरे हुए वापस नहीं आते। और हाँ सर, मैं तुम्हारे शो पर आ रहा हूँ। ठीक है सर। इनसे मिलिए, मिस्टर रॉबिंसन। डॉक्टर, प्लेजर, प्लेजर। नाकों में बसे हो, तुम्हें फट से निकाल दूँगा।
तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए, फटाफट तैयार हो जाओ, अनाउंसमेंट हो रहा है। मैं अभी हल्का होके आता हूँ। अरे तुम शो से पहले क्यों संडास करते हो? गंदा आदमी। किधर है बाथरूम? ए भगवान साला, इतना दूर है, पता होता तो सुबह ही करके निकलता यार। किधर है बाथरूम? ज़्यादा कर दिया क्या? इतना हाँप क्यों रहे हो? भूत, 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 क्या भूत? उस लड़की का जो मर गया था। मुन्नी, 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 मैंने उसका भूत देखा। आपने भी देखा भूत? आपने, मैंने, क्या तूने भी देखा? अच्छा वो छोड़, देखा किधर? मैंने दो बार देखा, दो बार देखा। अरे मैं गिनती नहीं पूछ रहा, देखा किधर? मैं बता दूं। चलो 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 चलो, किधर है? उधर 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 चलो। ये क्या किया तूने? गोली चलाई? तूने मारा डाला इसको? अरे मैंने मैंने नहीं मारा इसको, मैंने क्या गोली चलाई? बंदूक तो तेरे हाथ में, अपने मर गया ये। अब क्या कर रही है? तो मर चुका है, और अगर किसी ने देख लिया तो यही सोचेगा कि ये खून हमने किया है। ये हमने नहीं, भगवान, किसने किया है? ये सुनिए ना, अरे गोली चलाई। चुप चुप, हमको सिर्फ अब इतना सोचना है कि अपने आप को बचाए कैसे, बस। ये देखो, ए मैंने ये गोली नहीं चलाया, तुम लोग ऐसा मत बोलो। जब तक शो खत्म नहीं हो जाता ना, ये लाश किसी को दिखनी नहीं चाहिए, कहीं छुपा देते। और अगर शो के बाद किसी को नजर भी आती है ना, तो शक अपने पे नहीं जाएगा। छुपाएंगे कहाँ? जेब में? कहीं भी। इसको यहाँ से निकालो, एक तो अपनी किस्मत भी खराब है, बाथरूम जाने का रास्ता भी यही है। छुपाओ इसको कहीं भी। वेलकम वेलकम, आज के हमारे शो के मुख्य मेहमान हैं यहाँ के पुलिस कमिश्नर श्री जे डी मेहरा। मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और इनसे अनुरोध करता हूँ कि ये अपने शुभ हाथों से इस दीपक को जलाएं और इस शो की शोभा बढ़ाएं। एक काम करते हैं, इसको सॉरी, इसको अंदर डालते हैं। चल 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 लाश को मार, गोली ये रख दो, चलो चलते। और हाँ, चल निकालो, कुर्ते को निकालो, कुर्ते को निकालो, जल्दी निकालो। चल दिख रहा है, चल 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 चल। अरे ये बंदूक, क्या हो गया? बंदूक बंदूक, ओ निशान बिठा, जल्दी जल्दी जल्दी। कमल बास, हाय हाय, चल 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 चल, आई आई सर जी, आई आई, आजा आजा आजा, जल्दी जल्दी। कोई है तो नहीं है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जल्दी कपड़े बदलो, कपड़े बदलो, ट्रेन का टाइम हो गया। Oh,
चेन की बात कर रहा है। अरे यार जो हुआ जो हुआ, लाश अपने आप ठिकाने लगी। ऊपर वाला भी मेहरबान है यार। ऊपर वाला मेहरबान है, इसका मतलब हमारा लाश से कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं हाँ? कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब हम लोग बच गए। मैं तो बोलता फटाफट कपड़े पहनो, स्टेज पे चलो। Yeah.
सब अपनी जगह पर बैठे रहें। प्लीज डोंट लीव द हॉल। थैंक यू। साला ये खुफिया पुलिस का कुछ करना पड़ेगा। यस बॉस। साले बिना हाथ धोए मेरे पीछे पड़ गए। यस बॉस। मैं जो कहूंगा करोगे? यस बॉस। मार। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मुझे नहीं, उन दोनों को मार डालो। यस बॉस। मुझे पता नहीं कैसे मार डालो, लेकिन खत्म कर डालो उन दोनों को। यस बॉस। अगर उनके बीच में कोई आता है तो उसे भी मार डालो। यस बॉस। Officer, did they say anything? They say they don't know anything. I know they know everything. Officer! इससे पहले कि मैं बताऊं कि ये कुर्ता किसका है, आप लोग बता दें तो अच्छा होगा। मालूम नहीं, मालूम नहीं। ये तो जानते हो ना ये किसका है? अरे ये तो बाबला की चेन है। हाँ, हाँ, चेन मेरी है, लेकिन कुर्ता मेरा नहीं है, कुर्ता अपने सेठ जी का है। मेरा ही कुर्ता है, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया। कुर्ते पर खून के धब्बे कैसे आए? गोली चलाई नहीं। हम लोग सब ने मिलके किया, अभी ये लोग मेरे पे इल्जाम डाल रहे हैं। मैं समझाता हूँ क्या हुआ। कमिश्नर साहब, जो भी समझना है समझाना, पुलिस स्टेशन में अरेस्ट देम। इतना सा भी दूसरों को नहीं दूंगा। अरे पहले मैं तो खाऊं, बहुत कड़क है ये। अबे पागल है ये बॉम्ब है। जल्दी भागो, जल्दी भैया सेठ जी सो मत, जल्दी आओ। वो बॉम्ब कहाँ से आया? वही मिला। वो आर्मी ने अच्छा थोड़ा खा के मेरी तरफ देखा, मुझे लगा सीता बोले यार। मेरे को नहीं पता। ठाकुर मुझे क्यों पूछा, मुझे क्या मालूम? तो कैसे पूछो यार? उसको जाके पूछ जिसने बम फेंका उसको पूछ। यार हम एक काम करते, हम सीधे इंडिया भाग जाते हैं यार। जाएंगे कैसे? पासपोर्ट किसके पास है? पासपोर्ट तो पुलिस के पास है। अच्छा एक बात बता, अगर हम लोग रेलवे का ट्रैक पकड़ कर सीधा इंडिया भागना शुरू करें तो क्या लगता है कितना टाइम लगा? क्या अंदाजा बता बता। तेरी बेटी है? मेरी बहन की बेटी है, 5 साल की है। बोलो क्या खबर, बोलो। जब तक हम हिंदुस्तान पहुंचेंगे तब तक तेरी बहन की बेटी की पोती की शादी हो चुकी होगी। पर यार तो फिर रास्ते में तो तोहफा लेके जाना पड़ेगा। हाँ तोहफा ले लेते। अरे चुप रहो, हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हो। सुनो, भगवान हमारी मदद करने हर रूप में आता रहता है, और इस बार बॉम्ब के रूप में आया। शंकर भगवान है, जय बम भोले शंकर भोले। हाँ अबे हाँ, बॉम्ब भोले। ठीक है, अभी हमें सोचना यह है कि हम अपने आप को बेगुनाह साबित कैसे करेंगे। कैसे? अबे वही तो सोचना है। मर गए। जाओ उठा के लाओ उस सुंदर को मेरे पास। लाइटर अरे रुको तो। आज तो मैं तेरे दोनों हाथ पांव तोड़ के म्यूजियम में लगाऊंगा। बता वो कमीना कहाँ है? नहीं नहीं देखिए मुझे मत मारो आप, आपकी सॉरी सॉरी आपकी आपकी टांगे तोड़ने वाला तो लापता हो गया है साले। संभाल नहीं तो पूरी बॉडी में प्लास्टर लग जाएगा।
साले लापता हो गया कि तूने उसको लापता कर दिया, बहुत चालू बनता है। ए, उठा लो साले की टैक्सी को। उठाएंगे किसे, बहुत भारी है भाई, हम सब मिलके उठा ले। ए गोंचू, चार पहिए है ना, चला के लेके जाने का। सर सर सर, ए ए ए ए सियाने, जब तक तू उस मकान को मेरे हवाले नहीं करेगा ना, तेरी टैक्सी मेरे कब्जे में रहेगी। चलो मेरी टैक्सी नहीं है यार, ये भाड़े की है, अरे मेरा मालिक मुझे जान से मार देगा। अरे रुक जा। बलवाने बचाने। चलो 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 चलो, उठो उठो। अरे यार चाय मिलेगी क्या? चाय के लिए पैसे हैं क्या? पुलिस ने गिरफ्तार किया तो क्या मैं तिजोरी लेके भागा था? एक अच्छा, रुपया नहीं है मेरे पास। अच्छा मेरे पास पैसे, चलो चलो उठो उठो। चलो चलो कल काम आएगा। ये कलाकार की पोटली है, पता नहीं कब पैसों से भर गया। बोलो इधर 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 ये देख, अखबार में अपनी तस्वीर छपी है यार। साला एक शो क्या कि लंदन में आग लग गई, इसको खरीद ले, इंडिया जाके दिखा कि सब लोग जल जाएंगे। ले ले ले, मेरे पास फूटी कौड़ी है। तू छोड़ यार, खाए तू। बंटी बेटा, बंटी बंटी, अखबार में हमारी तस्वीर छपी है ले, और तू तो इतना हैंडसम दिखता है यार। देख देख देख, अखबार में अपनी तस्वीर छपी है, तेरे पर पैसा है ना, तू खरीद। ये अपनी तारीफ के साथ मेरी तारीफ भी पढ़ना है। क्या लिखा है देख ना। इसमें हम तीनों का नाम लिखा है। तीनों का नाम लिखा? हाँ। कोई बात नहीं, पढ़ तो सही, क्या लिखा है यार? मैंने सब कुछ पढ़ लिया, तुम लोग साइड में चलो, मैं बताता हूँ। और मुंह और मुंडी नीचे रख के चलो। चलो क्या हुआ, क्या लिखा? चलो ना। अरे फिर से क्या हो गया? जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो। क्या हुआ? उसमें लिखा था कि जाने माने बिजनेसमैन विक्रम चौहान का हम तीनों ने खून किया और फरार हो गए। और भी तारीख लिखी है, उसमें लिखा है कि हमारी गैंग ने पुलिस कार के अंदर बॉम्ब डाल के हम तीनों को वहां से भगा दिया। हमारी गैंग और हमको पता भी नहीं है। हाँ, और वो जो पुलिस कमिश्नर, उसने ऑर्डर दिया है कि जहां भी हम तीनों नजर आए ठोक दे हमको। मशहूर होना था ना, हो गए मशहूर। चलो भी यहां से चलो। बॉस, वो दोनों बच गए। क्या? और एक और बुरी खबर है बॉस। क्या? उनके साथ एक और आदमी भी था। कौन था वो? देखने में तो उनका बॉस लग रहा था। अच्छा, लेकिन बॉस एक अच्छी खबर भी है। क्या? वो दोनों खुफिया पुलिस नहीं है, वो लोग आतंकवादी है, और उनका एक बहुत बड़ा गैंग भी है। ये सब मैंने टीवी और अखबार में देखा, अगर आप चाहो तो आप भी देख लो न्यूज़पेपर। ये वल्ला अबे बेवकूफ, ये आतंकवादी नहीं, ये खुफिया पुलिस ही है। अरे देखा नहीं, आते हैं पुलिस के साथ, जाते हैं पुलिस के साथ, वो भी पैदल नहीं, पुलिस की कार में। अरे बेवकूफ समझा मुझे। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। ये उन लोगों की एक नई चाल है ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं और वो लोग हमें रंगे हाथ पकड़ें। मनु भाई गांधी, मनु भाई गांधी हियर। सॉरी सॉरी शेरखान जी, आई एम सॉरी। नहीं नहीं शेरखान जी, अब की बार कोई गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। नहीं 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 नहीं, इस बार पुड़िया की डिलीवरी देने मैं खुद आऊंगा, बस एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या हालत हो गई है? ये लो आखिरी बार दाल रोटी खा लो। आखिरी बार क्यों है? क्योंकि मेरे पास अभी थोड़े ही पैसे बचे हैं। तुम लोगों के पास पैसे हो तो तुम लोग मंगा के खा लेना। अरे मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है यार। तो यूं भिखारियों की तरह मरो, जब तक बेगुनाह साबित नहीं होते। तो कैसे साबित करेंगे कि हम बेगुनाह? कैसे? एक मिनट, एक तरीका है,
अगर हम विक्रम के घर जाते हैं जहाँ मुन्नी जल के मरी, वहाँ पर मुन्नी जल के मर चुकी है और विक्रम थिएटर में मर चुका है, तो वहाँ पर जाकर करेंगे क्या दोनों का श्राद्ध? देख, मैंने और सेठ जी ने मुन्नी को देखा है, इसका मतलब मुन्नी जिंदा है। लेकिन मैंने उसको नहीं देखा ना, इसका मतलब वो नहीं है। और मैंने जिसको नहीं देखा है ना वो है, ऐसा मैं मानता ही नहीं। जापान देखा है? नहीं। तो मतलब जापान नहीं है, है ना? नहीं, मैंने जापान की तारीफ सुनी है। हम लोग के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। हाँ। पहला रास्ता ये कि हम लोग विक्रम के घर जाते हैं, वहाँ पता करते हैं, या कोई सबूत मिल जाए हम लोग को, कोई कुछ कुछ भी मिल जाए जिससे ये साबित हो जाए कि हम लोग बेगुनाह हैं। ओके, दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये कौन सी लिपि है? ये उल्टा है ये। कुछ मिला क्या? मैं तो पहले ही बोला था यहाँ कुछ मिलने। 24, 2611, 4179। कुछ नहीं है, बिल्ली है, बिल्ली। ये जो है ना, ये लड़की के कपड़े का नहीं, उसके तंबू का नाम लग रहा है मुझे। नहीं, ये फास्ट ट्रैक ट्रैवल एजेंसी का नंबर है और ये मुन्नी ने लिखा है। तेरे को कैसे मालूम? जब वो लिख रही थी तो उसके बगल में बैठा था चिपक के। नहीं नहीं नहीं, ये तू ध्यान से देख, ये देख, फास्ट का जो एफ है ना, ये उल्टा लिखा हुआ है, और मुन्नी हमेशा अपना एफ उल्टा लिखती थी, मैंने खुद रिहर्सल में देखा है। सुना मालिक, मुन्नी एफ उल्टा लिखती थी? तो 100% ये मुन्नी ने लिखा है। हाँ, तो मुझे लगता है वो इंडिया गई होगी। तो हम लोग भी इंडिया जाएंगे? तो क्या पाकिस्तान जाके वहां से देखे? अरे, अपने को जाना पड़ेगा फास्ट ट्रैक ट्रैवल एजेंसी में अभी। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, सर, इज देयर एनी बुकिंग मेड टू इंडिया फॉर अ नेम कॉल्ड निशा, एनी गर्ल? आई एम सॉरी सर, वी डोंट डिस्क्लोज द पैसेंजर इंफॉर्मेशन, इट्स अगेंस्ट कंपनी पॉलिसी। सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम सॉरी बट आई कांट हेल्प यू। ये अंग्रेज है, कभी हेल्प नहीं करेगा। अंग्रेजों से तो पूछना ही पागलपन है, बेकार है, कुछ और पूछे तो कुछ खुद ही बात करेगा। बोल क्या कर दिया यार, ये आदमी कुछ नहीं बताने का। चलो यार, लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब कुछ नाटक करते हैं ना। मेरी बेटी, चाचा, मेरी माँ, चाचा, क्या हो गया चाचा? चाचा, माजी, माजी पानी दो, डॉक्टर, पुलिस। What happened? अरे कोई तो कुछ करो, क्या बताऊँ मामू? What? इनकी जो बेटी है, इनके साथ छोड़ा था झगड़ा, वो छोड़ के चलेगी। अब बता नहीं लड़की कब आएगी। गुरुदेव, उर्दू में बोलो। जनाब, अरे इधर आना, इसको संभालना इधर। What? बड़े ना समझो। सर, आई टेल यू, प्लीज कम हियर फॉर अ सेकंड सर। दिस गाय हैड अ फाइट विद हिज सिस्टर, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड शी लेफ्ट द हाउस एंड शी इज गॉन अवे सर, एंड नाउ वी आर थिंकिंग दैट शी मस्ट हैव गॉन टू इंडिया। So that's why you're thinking that she must have done a booking here. You know, it's really, really... do it for him, right, sir. Poor right, family, sir. I'll take it out. I'll see what please, I can sir. Do. Right. If you can. This is yours. Right. क्या हुआ, बताता है कि नहीं? अच्छा, चाचा आ जाएगी, आ जाएगी, शाम तक आ जाएगी। निशा, N-I-S-H-A. No, there's no Nisha. Sir, her nickname is Munni. M-U-N-N-I. Munni. Any other Indian girl name from here to Delhi or Mumbai, anywhere in India, sir? I'm afraid there isn't, no. All right, sir. Thank you. मेरी बेटी, मेरी बेटी, अरे बहन है यार, नहीं। चलो अपना खानदान मत खड़ा करो, चलो, चलो ओवर एक्टिंग मत करो, चलो यहाँ से, चलो कुछ नहीं हो। Oh, excuse me, sir. There is a booking, but not in the name of Nisha. The name's Aditi. She's traveling on the 27th. Excuse me. Can you see if there's any contact number or any kind of address or something? Right. You know, just... There is a number. It's 0207-745-1234. All right.
लॉन्ग लिव ब्रिटिशर्स, लॉन्ग लिव ब्रिटिशर्स। क्यों बे चोर, जब तेरे को मालूम है उस लड़की का नाम अदिति नहीं है तो तूने उसका नंबर क्यों लिया बे? क्यों नहीं हो सकता उसका नाम अदिति? हाँ, जब उसका नाम मुन्नी हो सकता है, निशा हो सकता है, तो अदिति क्यों नहीं हो सकता है? तो न जाने कितनी अदिति गोमती मधुमती भानुमती लंदन से भारत जाती रहती, तो हर किसी लड़की को झंझाड़ झंझाड़ के पूछोगे कि तुम निशा हो के नहीं। अरे चप्पक सेठ बोलो ना इस बेवकूफ को, वो लड़की मर चुकी है, वो है ही नहीं। मैंने देखा है उसको यार। ओहो, मैं तो भूल गया कि आपने भी उसको देखा है, उसको देखा है जो है ही नहीं। जाओ जाके ढूंढो, ढूंढो उस लड़की को, वो जो मर चुकी है वो है कि नहीं। और कोई काम धंधा है तेरे पास तो पता करने में क्या तकलीफ है? मैं जा रहा हूँ ढूंढने, तेरे को चलना चल, नहीं तो तेल लेने क्या? तू चल ना। अरे यार वो बाबू का नंबर है व्हाइट हाउस करके, और वहाँ जो आदमी काम करता है उसने बताया कि है एक हिंदुस्तानी लड़की जो वहाँ काम करती है और शाम को 5 बजे आने वाली है, शीतल नाम है उसका। शीतल शाम को 5 बजे आया, शीतल रात को 12 बजे आया? शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना? अरे तो फिर अदिति कौन है? निशा है। चुप रहे यार तुम लोग, चुप रहे। ये शीतल, निशा, अदिति, ये जो भी है यार, ये सब एक ही लड़की का नाम है यार। ये बहुत ही खतरनाक लड़की है, नाम तो ऐसे बदलती है जैसे कपड़े बदलती है। मैं बोलता हूँ कसम से इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा। अरे इस महानुभाव को बोलिए कि ये बात पुलिस में जाकर कैसे साबित करेगा। ए करूंगा, तू सोचना बंद कर और चिल्लाना बंद कर। मैं जाता हूँ कमिश्नर को बोलता हूँ कि देखो हम लोग बेगुनाह है, हमको मिल गई लड़की जो खूनी है, और शाम को हम उसको जाके सौंप देंगे। ठीक है? ओके। एक बात बताइए, ये मुन्नी कौन है? निशा। तो अदिति कौन है? शीतल। तो शीतल क्या हुई? उसको पूछना यार, मेरे को क्यों पूछ रहा है यार? झूठ बोल रहे हो तुम लोग, बकवास कर रहे हो। अगर बेगुनाह होते तो तुम लोग भागते नहीं, सीधे मेरे पास आ जाते। सर सर वो लड़की जो मर गई है ना सर, वो हमको शाम को मिलने आ लिए। आप उधर आइए सर, वो लड़की हम आपको सौंप देंगे सर, आप आइए सर। हेलो हेलो, क्या बोल रहे हो तुम लोग? जरा लाउडली बोलो। टैप माय फोन एंड इन्फॉर्म मी वेयर दे कॉलिंग फ्रॉम ऑन द रेडियो। ओके यस सर। हेलो सर, मेरी बात सुनिए सर। कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी मूविंग। मेरी बात सुनो, अपना गुनाह छुपाने के लिए और झूठ मत बोलो। नहीं सर, हम पुलिस स्टेशन में नहीं आएंगे। नहीं, नहीं, मेरे को मालूम है, हम लोग पुलिस स्टेशन में आएंगे आप लोग हमें गोली मार दोगे। सर सर हेलो हेलो सर, कैन यू हियर मी सर? There should be somebody here. Cover the whole area. Yes. Get some more officers. Come on, hurry up, hurry up. छोड़ो ना, वो लोग पहचान जाएंगे। चलो यहाँ से। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ये चश्मा है कि मुसीबत है यार। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। चलो सीधे चलो, बस आप सिर्फ सीधे चलते रहो। मैं यहाँ क्वींस गेट टेरेस के सामने खड़ा हूँ। हाँ माल मेरे पास है, तुम सिर्फ पैसे लेके आ जाओ। सॉरी सॉरी सॉरी।
साला किधर है? मैं इधर हूँ, पहचाना? अरे तू नहीं यार, वो बुड्ढा किधर है? सेठी! मुझे नई नई कहानियां सुनाता है। सर, ला मेरी टैक्सी। कहाँ है मेरी टैक्सी? अब कैसे समझाऊं आपको? वो कोई और ले गया है। हाँ? आप मुझे एक मौका दो, मैं कहीं से भी आपकी टैक्सी ढूंढ के निकालूंगा सर। प्लीज अगर सर। मेरी टैक्सी मुझे 24 घंटे में नहीं मिली तो मैं अपने आप का खून करके मुझे मेरे मर्डर केस में अंदर करवा दूंगा। नहीं सर, वो भी कम से कम 20 साल के लिए। कम लेकिन पूछने में क्या जाता है? पूछ लेते हैं ना, पूछने में क्या जाता है? पूछ। हाँ, जानो जानो नमस्ते। यस, व्हाट यू वांट? अदिति। सॉरी, आप ही का नाम अदिति है ना? पर आप क्यों मेरा नाम जानना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं फास्ट ट्रैवल एजेंसी से आया हूँ। आप ही ने मुंबई के लिए टिकट करवाया था ना? जी हाँ। तो नहीं तो वो आपका तैयार है, टिकट तैयार है। ओके okay, तो लाइए। नहीं, मैं बताने के लिए आया था ना, आप ही को जाके लाना पड़ेगा। ओके okay? वो किस लड़की का नाम अदिति है और ये मुंबई जा रही है। अब क्या करें? खुश हो गया तू? ठंड पड़ गई तेरे को? अरे यार, मैं बोल रहा हूँ कि जो लड़की मर चुकी है उसको ये आदमी जबरदस्ती खींच के नीचे लेकर आ रहा है। बेवकूफ बना रहा है, स्मार्ट आदमी। एक मिनट, भेज जा रही है। उसने क्या बोला? उसका नाम क्या? साला भैरा है क्या? अरे भैरा नहीं हूँ यार, मेरे को मालूम है। उसने बोला उसका नाम अदिति है। मैं बोलता हूँ उसका नाम अदिति नहीं, उसका नाम शीतल है। क्या बात करता है यार तू? अरे सेठ जी, सुबह जब हमने पब में फोन किया, वो लोग ने क्या बोला कि वह एक ही हिंदुस्तानी लड़की काम करती है जिसका नाम शीतल है। और अभी वो अंग्रेज को जब हमने पूछा तो उसने भी बताया कि शीतल उधर है वहाँ। और मैं साबित कर सकता हूँ। कैसे? कैसे कैसे? शीतल इडियट्स। मैंने अदिति बोली थी। Thank you.
ए वो देख वो देख वो देख वो देख कहाँ से है पैसे? मुझे नहीं मालूम कहाँ से। मालूम नहीं तेरे को? तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। अगर हम मर भी गए ना, तब भी ये चिंदी चोर ना हमारे कफन के लिए पैसे नहीं देगा। मालूम नहीं तेरे का, शर्म नहीं आई? दो दिन से हम दोनों ने खाना नहीं खाया, शर्म नहीं है पैसे? अरे तुम दोनों की सौगंध, मेरे को नहीं मालूम है पैसे किधर से। सच कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम यार। मैं सच कहता हूँ, मैंने अभी अभी पैसे देखे हैं ये। तो ये पैसे कहाँ से है? तुम्हारे माँ का पति जेब में डाल के गया या ऊपर आसमान से गिरा? देख 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 कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद हो गई। देख कमीने की, इसको बोल जुबान संभाले, मैं इसका सेठ हूँ। अरे सेठ होगा मेरे जूते से? या तो इसने चोरी किया या किसी का पॉकेट मारा है। क्या चिरकुट भांडों की तरह लड़ रहा है तुम लोग सड़क के ऊपर यार? भूख लगी, खाना खाना, पैसा आ गया, खाओ ना यार। नहीं चाहिए मुझे चोरी वाले, नहीं खाऊंगा इन पैसों से। थैंक यू, मैंने इतने साल सबको काम दिया, सबका पेट पाला, सबको अपना बना के रखा, इसके लिए मुझे मिलना ही था बदले में। मैं चोर हूं ना, पॉकेट मार हूं, ये चोरी का पैसा है। चल, तेरे को मैं ये चोरी के पैसे से पानी की एक बूंद भी नहीं दूंगा। और तू इतना याद रखना, आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बंटी तू मेरी बात सुन। तो आज फैसला किया ना? मैंने तो बचपन से फैसला कर लिया था कि अगर मैं मर भी रहूंगा तब भी तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे हाथ का पानी पिएगा ना उसे मोक्ष तक नसीब नहीं होगा। इतने गद्दे और घटिया किस्म के इंसान हो, बच्चों करने वाला चीत हो, शर्म नहीं आती तुमको? बबला चल। सेठ जी, वो देखिए। ककड़ी देख रहे, ककड़ी देख। चाट मसाला होता नहीं यार, तू खाने का मजा ही कुछ और होता है। सुरत से लाया हूँ मैं, खमंड खाया हूँ, चाट रहेगी हो। क्या बात कर रहे हैं यार? हाँ वरियाली है, मुखवा से निकल ना। अरे सुन ब्रदर, चाकू है चाकू। यस देवी को। हाँ उधर पेपर दे, ये लो ये लो। और दो तीन ककड़ी। ओके बस। अभी इसको कैसे खाने का मालूम है तेरे? नहीं, इसका ऐसा गोल गोल छोटा छोटा टुकड़ा करके ये मसाला लेने का, फिर ऐसा छिड़क, फिर छिड़कने के बाद अल्फा 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 मिला के एक टुकड़ा उठा इसका ककड़ी का। हाँ ककड़ी का, और फिर इधर रखने का। सेठी ये गरीब छोकरे को भी कुछ दे दो ना। नहीं, चोरी का पैसा है ना अपना, उससे कुछ खरीदेंगे तो हराम का माल, ये बेचारे साधु आदमी को पचेगा नहीं ना। तू एक काम कर, तू अंदर जाकर पैसा दे दे, तब तक मैं फसा चाट मसाला तैयार कर। ये काली मिर्च होती तो मजा आ जाता है। लाया हूं ना मैं। काली मिर्च है तेरे पास? हाँ है। क्या बात है, तू आदमी की कबाट है यार। कबाट भरे ले, खोपड़ी खाली है। अरे जिसके भरे लिए वो पका के खाए ना। नहीं लगने का, पैसे वाले गरीब आदमी के मुंह नहीं लगते। तू जाने दे। ओ हां मैं भी नहीं लूं। तू जाने दे। आजा मेरी ककड़ी, तुझे कैसी पसंद है। ककड़ी पे मसाला कौन खाएगा, शेख का साला। ककड़ी पे क्या हो गया, लोग क्यों भाग रहे? कुछ नहीं, कुत्ता पागल हो गया था, उसके पीछे सब लोग भाग रहे। सेठ जी गए? पता नहीं, मेरे को यहाँ चाट बना रहे थे, मुझे नहीं पता। सेठ जी, सेठ जी। तो तुम मुझे नहीं जानते? नहीं जानता। इसका मतलब तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा? बोला ना कभी नहीं देखा है। तो फिर तुमने मुझसे पैसे कैसे लिए? कौन से पैसे? यस साला, ये बहुत ही खतरनाक, इसके जैसा झूठा मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। सलाम मुझसे पैसा लेकर कह रहा है, मुझे कभी नहीं देखा है। ये पुलिस नहीं है, चोर पुलिस है। साले को मार मार के इससे उगलवाओ कि खुफिया लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं। बता हमारे धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम? कि तुमको नहीं मालूम तुम्हारे धंधे में क्या होता है? बकवास मत कर और सच सच बता, गांधी के बारे में तू क्या जानता है? अरे राष्ट्रपिता है हमारे। ए मैं बात कर,
और सच सच बता तू गांधी के बारे में क्या जानता है? अरे मैं क्या, सारे हिंदुस्तान ही जानते उनके बारे में, मैं क्या बताऊंगा? क्या और क्या जानता है? वो जब चलते थे पूरी दुनिया उनके साथ चलते थे, वो जो साथ में चलते थे उनको दौड़ना पड़ता। बस बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम? धंधा? चरखा चलाते थे। चरखा? हाँ। कैसा चरखा? सूत काटने का, खादी का कपड़ा बनाने का, आजादी की लड़ाई लड़ने का, ये सब धंधे थे गांधी जी के। अबे तू किसके बारे में बात कर रहा है? यार कैसे हिंदुस्तानी हो, लंदन आकर महात्मा गांधी को भूल गए क्या? अबे महात्मा गांधी नहीं, एमजी गांधी, मनु भाई गांधी के बारे में क्या जानता है? तो तू कौन है? अरे यार वो मेरा चंपू कहाँ है यार? अरे उसके पास बहुत पैसे हैं, कहीं ऐश कर रहा होगा। अच्छा, हम लोग भूखे नंगे नजर टिकाए बैठे हैं, वो किसी सेवन स्टार होटल में सेवन कोर्स मील खा रहा होगा। बॉस मैंने पकड़ से उसके दो दांत उखाड़ दिए, उसके दो नाखून उखाड़ दिए और मैंने वो भी उखाड़ दिया। क्या हाँ, फिर भी कुछ नहीं बोलता है? वेरी टफ गाय। अब तू बोलेगा। मेरी सांस जा रही है। अब तेरी बहू भी जाएगी। सर, देयर इज अ कॉल फॉर यू। मनोबे गांधी है? नहीं 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 शेर खान, मेरी बात तो एक 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 मौका और दो। क्योंकि अब की बार खुद पुलिस वाला तुम्हें पुड़िया पहुंचाएगा। फोकट में टाइम का खोटी हो रहा है, चारों में से एक लड़की भी नहीं आने वाली। भाबलिया, इधर इधर। अरे ठीक, क्या हुआ? जल्दी जल्दी, वो देख वो देख, वो जा रही है, देख वो देख, वो देख देख, अंदर गई, अभी आएगी ना, वो आएगी आएगी, जैसे आएगी ना उसका पीछा करेंगे हम लोग। दिस इज योर टिकट मैम, एंड हियर इज योर पासपोर्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई आई आई, वो देख, जल्दी जल्दी जल्दी। निशा को टिकट नहीं दी ना तो तू समझ ले तो मैं ना बातें तो अच्छी किया कर। चल जाके पकड़ उसको, चल जा जाके पकड़ उसको, पूछ कहीं भाग न जाए। फो एक बात बोलो, तुम मेरी बात सुनेगा? ए भाई बात सुनेगा तू मेरी? अपने पीछे से तुमने दिए निकाल के ना पुटली में भर के फिर डर भर गई। बाबलिया ये अदिति नहीं है। कभी किसी अंग्रेज का नाम अदिति सुना तूने? हाँ, तेरे को एक बात बोलूँ, अपन इस अंग्रेज का पीछा करते हैं, मालूम करते हैं कि ये टिकट किसको देती है। बहुत कमाल का आइडिया। शीतल निकली, उसने टिकट उठाकर अंग्रेजों को दे दिया, अंग्रेज दौड़ी उसने मौसी को दे दिया, मौसी दौड़ी उसने बच्चे को दे दिया, बच्चा दौड़ 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 उठाकर मामा को दे दिया, मामा ने चाचा को दे दिया, चाचा ने उठाकर काका को दे दिया, काका ने पता नहीं पता नहीं किस किस के बच्चा दौड़ा तू? तेरे पास पहला है? अभी तेरे को क्या चाहिए तू बोल। एक काम कर, तू भीख मांग इधर बैठ कर ट्रेन में, ठीक है? तू मेरा दिमाग मत खराब कर, अभी तू जा यहां से, जा। अबे ट्रेन में भीख मांगने से तो अच्छा है कि इस देश के अंदर से तीन दिन में सलट लूंगा मैं। क्या टेढ़ा कर लेंगे लोग सोचते हैं मेरा? हाँ, ना ही फांसी दे पाएंगे, ना ही उम्र कैद, और ना ही किसी के हाथ आएगा, ना ही लावारिस मौत मरेगा, बाबला समझा? क्या हुआ? लास्ट टॉयलेट कर रही है। क्या बाथरूम में? निशा को देख, निशा निशा बाथरूम में टॉयलेट कर रही है अंदर। देखो बेटा, अबे चल चल। अरे
मैंने देखा था। टैक्सी ड्राइवर, हाँ हाँ मुझे पता चल गया वो हरामखोर बंटी कहाँ है। आप फटाफट ब्राइटन रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाओ और सुनिए मेरी टैक्सी लेते आना प्लीज। हाँ। कौन मालिक बोल रहे हैं? साले तेरी टैक्सी मिल गई, तू ब्राइटन स्टेशन पर पहुंच, अपनी टैक्सी ले फटाफट, फूट यहां से। एक बार तेरी टैक्सी दे दू ना, उसके बाद तेरी गुलामी हमेशा हमेशा के लिए बंद, तेरी मां का नाका। कहाँ भाग रही है? मरने का नाटक करती है और हमको बेवकूफ बनाती है। हाँ, अपने पति को मारा तूने और इल्जाम हम पर लगा। मैंने किसी का खून नहीं किया। अच्छा, तो क्या वो खून मैंने किया? हाँ, झूठ बोलती है साली। अगर तूने वो खून नहीं किया तो उसने भागी क्यों थिएटर से? मैं तुम्हें अपने बारे में सच्चाई बताने आई थी। कौन सा सच बताने आई थी? मेरा नाम मुन्नी नहीं है। वो तो मैं भी जानता, तेरा नाम मुन्नी नहीं है। तेरा नाम तो? मेरा नाम निशा भी नहीं है और ना ही विक्रम चौहान मेरा पति है। तो उसने जलकर मरा कौन? निशा चौहान, विक्रम चौहान की असली पत्नी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन से झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी मिला और तुमसे प्यार कर बैठा। घोसता हूँ अपने आप को कि क्यों मैं तुमसे मिला, क्यों मैं तुमसे प्यार कर बैठा। बच्चे प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। और कितना झूठ बोलेगी और क्या क्या सच सुनूं तुम्हारा? तुम्हें सुनना ही होगा और उसके बाद तुम जो करना चाहते हो कर लो। मेरा नाम अदिति है, अदिति देसाई। जो आदमी मुझे काम के लालच में यहाँ लाया उसके इरादे गलत निकले। जिस दिन उसकी बुरी नजर मुझ पे पड़ी मैं वहां से भाग निकली लेकिन मेरा पासपोर्ट वहीं पे रह गया। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे मेरी दोस्त शीतल मिल गई जो एक डांस क्लब में काम कर रही थी। उसने मुझे उसी डांस क्लब में काम दिलवाया और वहां नाचकर मैंने अपना गुजारा कर लिया। तब एक दिन वहां पुलिस पहुंच गई और इससे पहले कि वो मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगे और कुछ सवाल पूछने लगे मैं डर के मारे वहां से भाग गई। लेकिन पुलिस ने मेरा पीछा किया। उसी वक्त एक गाड़ी मेरे सामने रुकी। जिस आदमी ने मुझे पुलिस से बचाया वही विक्रम चौहान था। क्या रे? मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिनों तक मेरी पत्नी बनने का नाटक करो।
और तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ। घबराओ मत, मैं तुम्हें छूंगा नहीं। और मेरा काम खत्म होते ही मैं तुम्हें एक नया पासपोर्ट और 25 लाख रुपए दे दूंगा, जिससे तुम खुशी खुशी इंडिया जा सकती हो। और अगर मैंने इनकार कर दिया तो? फिर तुम्हें पुलिस से भी कोई नहीं बचा सकता। है कोई? मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैंने सोचा मुझे अपना पासपोर्ट और बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे तो मैं वापस इंडिया चली जाऊंगी अपने माँ बाप के पास, और मैंने उसे हाँ कर दी। उस रात जब मैं तुमसे मिली तब विक्रम भी वहाँ मौजूद था। हम दोनों डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे ताकि उनके सामने मैं खुदकुशी का नाटक करके ये साबित कर लूँ कि मैं, यानी कि विक्रम की बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन उससे पहले तुम्हारी गाड़ी वहाँ पहुँची। जब डॉक्टर आए तो मैंने उनके सामने मरने का नाटक किया, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। और फिर तुमने मुझे अपने नाटक में काम करने के लिए पूछा। मैंने तुम्हें अपना नाम मुन्नी बताया और कुछ झूठ मूठ की कहानी सुना दी। उस रात जब बाबला ने किसी को मेरे साथ बात करते हुए सुना वो विक्रम ही था। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम लोगों के सामने ऐसी हरकतें करूं जिससे ये लगे कि मुझमें सुसाइडल टेंडेंसीज है, ताकि तुम्हारी गवाही के द्वारा डॉक्टर के सामने ये साबित हो जाए कि मैं पागल हूँ। उसके बाद जो कुछ भी हुआ प्लान के मुताबिक ही था। मैं वादा करती हूँ कि मैं मर जाऊंगी। काम पूरा हो गया और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, ये रहे बाकी के पैसे। आज के बाद ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें। गुड लक। थैंक यू। जब मैं वहां से निकली तो मुझे याद आया कि मैं अपना पासपोर्ट अंदर ही छोड़ आई थी। मैं उसे लेने वापस गई तो मैंने देखा कि विक्रम चौहान एक लड़की को घर के अंदर ले जा रहा था जो बिल्कुल होश में नहीं थी, और वो और कोई नहीं, उसकी असली पत्नी निशा चौहान ही थी। मुझे मेरी परसों की मेहनत पर पानी फेरेगी, मेरा प्लान चौपट करेगी। पहले उसे जिंदा जलाऊंगा, बाद में तेरी पारी। निशा दरवाजा खोलो। निशा, निशा दरवाजा खोलो। निशा सुनो, दरवाजा खोलो मैं कहता हूं। निशा, सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ना किसी वजह से मैं तुम तक पहुंच नहीं पाई। देखो, अगर मैं मान भी लूं कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है, लेकिन लेकिन तुमने विक्रम को क्यों मारा? पंटी, मैंने विक्रम को नहीं मारा। ए पंटी, छोड़ना नहीं। मैंने कमिश्नर साहब को फोन कर दिया है, वो आ रहा है इसको पकड़ने के लिए। ये क्या किया तुमने? पंटी, पंटी, वो मुझे मार डालेगा। नहीं, वो तेरे को नहीं मारेगा, वो तेरी आरती उतारेगा। अरे पापा, अरे पापी, बकवास बंद करो। तुम लोगों ने उसे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि 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 उसी ने विक्रम का खून किया है। अस्पताल का खर्चा चुकता कर या फिर उस गुंडे को मेरे सामने पेश कर। कहाँ?
पहचानना क्या है, छठी मंजिल पे अकेला हूँ, आओ ना। कहाँ? ऊपर 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 चल। कहाँ ले जा रहा भाई? मेरी टांगे। उस दिन जब मैं तुम लोगों से मिलने थिएटर आई थी तब विक्रम भी वहां मौजूद था। निशा की मौत की तुम एक लौती गवाह हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं देख सकता। विक्रम! उसने विक्रम पे गोली चलाई और वो जख्मी हालत में भागते हुए आप लोगों के पास आ पहुंचा। थी। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। उसने ये भी पता कर लिया कि मैं कहां रहती हूं। मैं तुम लोगों के पास भी नहीं आ सकती थी मदद मांगने। उसने तुम्हें भी खून के इल्जाम में फंसा लिया था। तब मैंने अपनी दोस्त शीतल की मदद ली टिकट खरीदने के लिए, इससे पहले कि वो मुझे जान से मार दे मैं इंडिया वापस चली जाऊं। अच्छा वो सब ठीक है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि पुलिस कमिश्नर विक्रम चौहान का खून क्यों करेगा। पंचे ये मैं भी नहीं जानती क्यों। मैं बताता हूं, क्योंकि निशा मेरी एकलौती बहन थी। माँ बाप के मरने के बाद मैंने उसे अपनी बच्ची की तरह पाला था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो एक लड़के से प्यार करती है, उसे शादी करना चाहती। उस लड़के का नाम था विक्रम चौहान। मैंने कभी अपनी बहन की बात नहीं डाली, तो मैंने उनकी शादी करा दी। शादी के कुछ महीनों बाद मेरी बहन की दिमागी हालत बिगड़ने लगी, तो फिर एक दिन मुझे पता चला कि उसने अपने आप को जला कर मार डाला। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब उसके खून में ड्रग्स पाया गया। जब मैंने तहकीकात शुरू की तो ये बात सामने आई कि मेरी बहन की दौलत पाने के लिए विक्रम उसे ड्रग्स का इंजेक्शन देता था। इसी वजह से मेरी बहन ड्रग्स की आदी हो गई थी। इससे पहले भी विक्रम की शादी हो चुकी थी, तो उसने मेरी बहन का खून सिर्फ उसकी दौलत पाने के लिए किया था। जब मैंने विक्रम से बात की, हो सकता है जो तुम बोल रहे हो वो सच हो। अब दौलत तो मेरी हो ही चुकी है, फिर मुझे मारकर अपने आप को सूली पर चढ़ाकर अपने बच्चों को अनाथ करना चाहते हो क्या? उस पल से मैं उसकी तलाश कर रहा था। उस दिन जब मैं थिएटर पर आया तब मैंने उसे देखा। तकदीर अच्छी थी कि आप लोगों ने अनजाने में उसकी लाश को एयर कंडीशन में रख दिया, जहां से वो सरकती हुई स्टेज पर आ गई थी। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बहन के कत्ल में विक्रम का साथ दिया था, तो तुम दोनों को भी नहीं जिसके खून की गवाह। मैं आपकी जज्बात की बड़ी कदर करता हूँ, ये लड़की कुछ अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती है। बोलना गूंगी है क्या? बोलना, बंदूक है उसके हाथ में, बोलना भी हू क्या कर रही, बोल। थक गया, इधर गए साले बंटी बाबला। भाई कहाँ लेकर आए तुम यार? कहाँ वो? मैंने उनको ऊपर जाते हुए देखा था। पंछी बनकर हवा में उड़ गया क्या वो? मुझे क्या काम करो, तुम लोग यहाँ पर रुको, मैं उसकी टांग तोड़ कर आता हूँ। Yes, वो यहाँ से निकले तो उसको पकड़ लेना। Okay, चल, चल, चल। अरे मेरा क्या होगा? मर जा तू। मैं हूँ ना। अरे तू क्या है यार? हट जा, मैं हूँ ना। बाबला, पूरे पंछिया। गुरु, चल। कितने साल पुरानी होगी ये? यही शेर खान है। यस बॉस। लेकिन उसके हाथ में ना बैग है ना पैसा है।
अरे चेक या डिमांड ड्राफ्ट लाया होगा, जाके पूछो उसे। यस बॉस। डिमांड ड्राफ्ट है क्या? पैसा 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 पैसा, ये तेरे बाप की बिल्डिंग है, पैसा मांग रहा है? माल का पैसा, पुड़िया पुड़िया पुड़िया। अरे खिसक गया क्या बाबले? पुड़िया 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 है, तगला क्या लगता है? आप शेरखान हैं? है? नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बताइए ना, आप ही शेरखान हैं ना? नहीं, मैं उसका ससुर हूँ, ससुर। ओ माय गॉड, हमें आपके दामाद से मिलना है। आपका दामाद कहाँ है? मर गया। कब? अभी अभी एक मिनट पहले मर गया। कैसे? चॉकलेट खा के। अरे क्यों मेरा सर खाते हो यार, तुम लोग कौन हो भाई? बंटी तो मिला गया, ये अजीब लोग कौन है? बस इन्हीं को मालूम होगा बंटी कहाँ है, यही तो मेरे बॉस है। बॉस? ये सब उसको बॉस बोल रहे हैं, यानी कि ये सब खुफिया पुलिस है, इन्हीं ने शेरखान को पकड़ा है। यहाँ कैसे चंपक भाई? पकड़ो साले को, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। बॉस, हमको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है बॉस। खुफिया
कैसे है सर? जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये रहे आपके पासपोर्ट्स। धन्यवाद। जब भी ठीक हो जाए तो आप लोग जा सकते हैं। हाँ। मिलेंगे कभी दुनिया के किसी कोने में। कोने में मिलेंगे, खाट पे नहीं। थैंक यू। This fast, I had a spot up on this block. All my people just be rolling up on this spot. Cause this fast, I had a spot up on this block. सारे पीछे पीछे आगे आगे गिरे पड़े भागे भागे भाग भागम भाग।